हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे फरवरी महीने के 1200 क्वेश्चंस, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशल फॉर रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी और एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अभी आने वाले मंथ्स में, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो कम्प्लीट देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो करता हूँ मैं शुरुआत। उससे पहले जो हमारा एक सबसे पहले पॉइंट है कि आप इसको अच्छे से कॉपी के अंदर नोट कर लेना है। इसकी पीडीएफ मैं मेरी 7 क्लास हो जाने के बाद में मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारा एक रहेगा क्वीज रहेगा, जो 20 क्वेश्चन का है, जो कि आपके सामने है। तो ये आपको अच्छे से पहले नोट कर लेना है। फिर हमारा जो टाइप्स रहेंगे क्वेश्चंस, जो कि हमारे एग्ज़ाम में जैसे आते हैं वैसे क्वेश्चंस करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप करके इन 20 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। जस्ट लाइक कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 वाज रिलीज्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कौन करता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, वो करता है इसको, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से इसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपको नोट कर लेना है। आगे चलते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आज का, फीफा फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है मॉरिसियो मैक्री, ठीक है। मॉरिसियो मैक्री है वो फीफा फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। आगे है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में विवादित बयानों को लेकर कार्यवाही करते हुए चुनाव आयोग ने बीजेपी से दिल्ली चुनाव के लिए स्टार प्रचारक को लिस्ट से हटाने को कहा था। तो वो थे अनुराग ठाकुर को हटाने के लिए कहा था कि भाई इसको हटा दो, ये सही बयान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आगे है, मोबाइल प्रीमियर लीग यानी MPL का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है विराट कोहली जी, ठीक है। आगे है, ये भी आपको नोट करना है, ये पॉइंट भी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG यानी केविन केयर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अभिनेता अक्षय कुमार, ठीक है। और इलियान जो डिक्रूज को अपने हेयर कलर ब्रांड इंडिका ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। ये आपको दोनों को दोनों पॉइंट नोट कर लेना है। आगे है क्वेश्चन हमारा, आगे भारत सरकार ने एयर इंडिया में कितने परसेंट हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो वो है 100%, ऑप्शन हमारा सी है, वो इसका सही आंसर है। इन क्वेश्चंस की जो भी इसके अंदर थ्योरी बनता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप वो वीडियो भी कंप्लीट देख सकते हो जो अपने डेली करंट अफेयर होती है, ठीक है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, बतौर ओपनर 10,000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वो बने हैं रोहित शर्मा, ठीक है। आगे है, बारका अकेडमी कप किस खेल से संबंधित है? बारका अकेडमी है वो किस खेल से, यानी कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से, ठीक है। उसके बाद में हमारा आगे जो क्वेश्चन है वो है, NTPC किस देश के लगभग 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार PMC होगा? तो वो होगा टोगो। टोंगो है, उसकी जो कैपिटल है वो मुझे बता देना है आप, ठीक है। इतना आपको काम करना है, और यहाँ के PM कौन है, ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, ये मुझे आप बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, किस कंपनी ने स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए गुजरात राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड के साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया फ्लिपकार्ट ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आगे है, किस देश ने भारत में 4 मिलियन पाउंड यानी लगभग 37 करोड़ रुपये का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो ये किया यूनाइटेड किंगडम ने, यानी UK ने, ठीक है। UK बारे में आप जितना जानते हो ये मुझे आप बता देना। आगे, टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है? तो वो है बेंगलोर, यानी भारत का बेंगलोर है ये सबसे ज़्यादा मतलब ट्रैफिक जाम वाला शहर है टॉम की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। भारत की पहली बायो वैक्यूम जो टॉयलेट ट्रेन कौन सी बनी है? तो वो बनी है कालका से दिल्ली शताब्दी है वो, ठीक है। ये NTPC वाले और ग्रुप डी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। बहरीन ने किस भारतीय राज्य के साथ AI जो फिनटेक है और उभरती तकनीक में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने किया है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस देश में चीनी संस्थान की स्थापना करेगा? तो ये करेगा नाइजीरिया के अंदर, ठीक है। तो अच्छे से नोट कर लेना इसको। उसके बाद में आगे हैं,
वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किए गए रानी रामपाल। ठीक है, रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे अजय बिसारिया को किस देश के लिए भारत के अगले ऊंचायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किए हैं कनाडा के। ठीक है, अजय बिसारिया को कनाडा के वह वो नए ऊंचायुक्त नियुक्त किए गए हैं। आगे हैं आईबीएम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे चुना गया है? तो वो है अरविंद कृष्ण जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर होगा। आगे है बॉल बॉय और गर्ल्स चल रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन में इको फ्रेंडली टी शर्ट पहन रहे हैं, किस कंपनी ने इन टी शर्ट्स का निर्माण किया है? तो ये किया है एनसी जॉन्स एंड सन्स। ठीक है, जॉन एंड सन्स है उस कंपनी की वो टी शर्ट्स पहन रहे हैं। आगे आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 किस रंग में छापा गया है? तो ये छापा गया है लेवेंडर में। ठीक है, विश्व कुष्ठ दिवस 2020 कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 30 जनवरी को। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना इसको, 30 जनवरी को एक कौन सा दिन और मनाया जाता है जो कि हमारी लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, तो अगर आपको याद होगा तो आप मुझे वो बता दोगे। आगे है अमेजन इंडिया ने किस शहर में सियालदह रेलवे स्टेशन में पिकअप जो कियोस्क की स्थापना के लिए पूर्वी रेलवे के साथ साझेदारी की है? तो ये कोलकाता के साथ में किया है, ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा सही आंसर है। ओके, आगे चलते हैं, आगे है अपना जो क्विज रहेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है, जो 20 क्वेश्चन रहेंगे हमारे इसके अंदर, 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट करना है। क्वेश्चन आपको इसी से बाहर कहीं नहीं जाने वाला है, आपको अच्छे से नोट करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ 100% इस जो महीने की यानी फरवरी महीने के जो 1200 क्वेश्चंस हैं उससे बाहर कोई भी एसएससी या रेलवे या सीडीएस कोई भी जिसके अंदर एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर पूछी जाती है इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो स्किप करके इसको नोट कर लेना है, 20 क्वेश्चंस है इसके अंदर। ठीक है, आगे है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यानी यून ने थाईलैंड में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो किए हैं गीता सबरवाल जी को। ठीक है, गीता सबरवाल जी को यूएन ने थाईलैंड में रेजिडेंट कोऑर्डिनेट के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, आगे है ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड ओप्पो ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी संस्था के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए आईआईटी हैदराबाद के साथ। ठीक है, किस आईआईटी कंपनी ने हैदराबाद में गूगल क्लाउड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है? तो ये टेक महिंद्रा के साथ में मिलकर है वो किया स्थापित, कहाँ पर किया है तो ये मुझे आप बता देना, हैदराबाद में किया है, तो आपको मैंने ये खुद नहीं, मैं इस क्वेश्चन के अंदर मदा रखा है। ठीक है, आगे है पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आलोक कंसल। ठीक है, आलोक कंसल जी को पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा शहर FIBA 3x3 ओलंपिक जो क्वालिफाइंग जो टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा बेंगलोर, यानी बेंगलोर कर चुका है। अभी है आगे वाला, अबीदाली निमचवाला ने किस कंपनी के सीईओ और एमडी के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये विप्रो कंपनी के थे अबीदाली निमचवाला। ठीक है, अब इनके स्थान पर कौन बना है ये मुझे आप बता देना। ठीक है, विप्रो कंपनी के थे जो अबीदाली निमचवाला थे वो सीईओ और एमडी थे, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे है गार्मिन इंडिया ने किस से अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो है रणविजय सिंह जी को। ठीक है, रणविजय सिंह को है वो ग्रामीण इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, यानी किया जा चुका है? तो ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के जो सीएम है और गवर्नर है और कैपिटल कौन सी है इसकी ये मुझे आप बता देना। ठीक है, आगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किस किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बजट निर्माण में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष राज्यों के रूप में उभरा है? तो असम उभरा है इस मामले में, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसका एक सर्वेक्षण था उसके अनुसार बजट निर्माण में वो सर्वोत्तम जो मामले थे उसके अंदर असम टॉप पे रहा है। ठीक है, असम के सीएम, यहाँ के गवर्नर और कैपिटल ये मुझे आप बता देना। ठीक है, उसके बाद में आगे है फिक्की ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत अनुमानित किया था? जो किया था फेब में वो था 5%। ठीक है, लेकिन अब कुछ चेंज है इसका, ये मेरा जो डेली करंट अफेयर होता है उसके अंदर मैंने बता रखा है। आगे विनय मोहन कात्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो ये नेपाल में नियुक्त हो चुके हैं, विनय मोहन छाक जो कात्रा है ये। ठीक है, नेपाल की राजधानी और इसकी मुद्रा और यहाँ के पीएम और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है उनके बारे में मुझे आप बता देना।
ठीक है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी द्वारा निर्मित खादी कलाई घड़ियों का सीमित जो संस्करण है वो लॉन्च किया है? तो ये टाइटन घड़ी है उसका है, वो उसका लॉन्च किया है। ठीक है, आगे है 2020 में पेन गोरी लंकेश पुरस्कार से किसे चुना गया है? तो यू है यूसुफ जमील। ठीक है, यूसुफ जमील जी को है वो पेन गोरी लंकेश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2019-20। ठीक है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जो है SAM संप्रीति जो 9 है वो नवा संस्करण था, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? बांग्लादेश। ठीक है, भारत और किस देश के बीच में है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। ठीक है, आगे है गोवा 2020 राष्ट्रीय खेल के शुभंकर का नाम क्या है? तो वो था रूबी गुलू। ठीक है, ये इसका क्या था, शुभंकर का नाम था। ओके, ऑप्शन नंबर इसका हमारा फर्स्ट ए है, ये हमारा सही आंसर है। किस राज्य ने देश की पहली फल ट्रेन यानी फ्रूट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, किस राज्य ने, आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, फल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ओ ये NTPC वाले और ग्रुप डी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क जो शुल्क बोर्ड है यानी CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है एम अजीत कुमार जी। ठीक है, एम अजीत कुमार जी है वो अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। उसके बाद में आगे हैं पी मैथ्यू सत्या बाबू जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? तो ये बास्केटबॉल से जुड़े थे। ठीक है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये मुझे आप बता देना। ठीक है, आगे है स्पेंडेंजर स्पेस टेलीस्कोप जिसे हाल ही में बंद कर दिया गया, किस स्पेस एजेंसी से संबंधित था? तो ये नासा से संबंधित था। ठीक है, स्पेडेंजर स्पेस टेलीस्कोप का जो बंद कर दिया गया हाल ही में वो नासा का एक था। ठीक है, तो 2021 के केंद्रीय बजट पे बैंकों में पैसा जमा कराने वालों के लिए इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया गया है? तो ये 5 लाख रुपए किया था। ठीक है, आगे हमारा जो 3 नंबर रहेगा वो है, ये आपको जो क्वीज है ये आपको नोट कर लेना है, 20 क्वेश्चन रहे थे। वो बिकम्स फिफ्थ प्लेयर टू टेक 3 T20 हैट्रिक्स, तो वो है रशीद खान जी ने किया है। रशीद खान कहाँ के, अफगानिस्तान के हैं। ठीक है, हु स्टार्टेड द अमर चित्रा कथा, तो ये है अनंत पाई। ठीक है, ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है, इसको यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 100% क्वेश्चन बनेंगे, जो 20 क्वेश्चन अपने क्वीज के हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, नोट हो गया हो तो मैं चलता हूँ आगे, वीडियो स्किप करके इसको नोट कर लेना है। जसवंत सिंह कंवल जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध थे, तो ये थे लेखक। ठीक है, जानी मानी साहित्यकार डॉक्टर दिलीप और टिवाना का निधन हो चुका है, कोरटिवाना का निधन हो गया। ठीक है, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार विदा बाल का भी निधन हो चुका है, ये आपको 3 पॉइंट एक साथ नोट करना है। ठीक है, आगे है मोहम्मद तौफीक अलावी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए थे कहाँ के, ये किए गए थे इराक के। ठीक है, किस बैंक ने आईबॉक्स नाम के एक सेल्फ सर्विस डिलीवरी सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया ICICI बैंक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा सही आंसर है इसका। ठीक है, आगे है किस बीमा कंपनी ने ड्रोन उद्योग के लिए विश्व स्तरीय उत्पादों और सेवाओं को बनाने के लिए ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी DFI के साथ साझेदारी की है? तो ये की थी TATA AIG ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर है। विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग यानी वर्ल्ड नेग्लेक्टेड जो ट्रॉपिकल डिजीज है वो दिवस वो कब मनाया जाता है? तो ये 30 जनवरी को ही मनाया जाता है, यानी 30 जनवरी को 3 डे मनाए जाते हैं। आप मुझे बता देना, एक दिन आज किए हैं और एक दिन पहले कर चुके हैं और एक अभी हुआ है, इन 3 डे इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको मुझे बताना है। ऑस्कर गेस्ट सेगमेंट में जो आर्किटेक्ट दल की अगुवाई करने वाली पहली महिला कौन बनी थी? वो है आइमर नून बनी थी। ठीक है, ऑस्कर गेस्ट सेगमेंट था उसके अंदर जो आर्किस्ट्रा दल थी उसकी अगुवाई करने वाली पहली महिला थी वो थी आइमर नून। ठीक है, आगे केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 2024 तक कितने और हवाई अड्डे स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये लगभग 100 के आसपास, ठीक है, बन के तैयार हो जाएंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ये 2 फेब को मनाया जाता है। आगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता सोफिया केनिन ने। ठीक है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी अभी 6 महीने से कोई भी खेल हुए नहीं है
तो जो भी अपने जनवरी और फरवरी के महीने में जो भी गेम्स हुए थे उनसे कौन जीता था कौन हारा था उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको अच्छे से नोट कर लेना इसको। आगे है बंगाली उपन्यास कलकत्ता नाइट्स के लेखक कौन हैं, तो वो है हेमेंद्र कुमार रॉय। ठीक है, बंगाली जो उपन्यास है जिसे कलकत्ता नाइट्स यानी रात्रि कोलकाता के लेखक कौन बताए हैं, वो है हेमेंद्र कुमार रॉय। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जिब्राल्टर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये है डेविड पेरावयान। ठीक है, जिब्राल्टर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज का महोत्सव जीतने जीता है डेविड पेरावयान। ठीक, आगे है किस राज्य सरकार ने डायरेक्ट सीटीओ नामक एक पहल शुरू की है जिसके तहत ग्रीन श्रेणी के उद्योग सरकार से तुरंत मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं, तो ये किया है तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, तमिलनाडु के बारे में जितना जानते हो वो हम सारा बता देंगे हम आपको। वैसे भी मेरी जो स्टेट वाइज स्ट्रेटेजी की क्लास होती है उसके अंदर जितना भी इससे बन सकता है वो सब मैं बताता हूँ आपको, फिर भी आपको जितना आता है वो मुझे आप एक बार बता देना। अभी हमारे दो स्टेट हो चुके हैं, ठीक है, एक तो वह है उत्तराखंड और एक वह है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आप मुझे ये उसके आपको जितना देखना है आप देख लेना, उसके बाद में जितने भी और स्टेट रहेंगे वो सारे करेंगे। ठीक है, आगे है वार्षिक दक्षिण एशिया सम्मेलन का 12वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये नई दिल्ली में। ठीक है, वार्षिक दक्षिण एशिया सम्मेलन का 12वां संस्करण था जिसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उसके बाद में आगे है अजमल सुल्तानपुरी जिनका हाल ही में निधन हो गया एक प्रसिद्ध थे, तो ये थे प्रसिद्ध कवि, ऑप्शन नंबर ए है ये हमारे सही आंसर इसका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने दूसरे बजट भाषण में कश्मीरी कवि दीनानाथ कौल नदीम की कविता भी पढ़ी। ठीक है, वो भी कौन थे, दीनानाथ कौल नदीम की है वो कविता पढ़ी थी किसने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। आगे पंडित दीनानाथ कौल नदीम कश्मीरी के अलावा हिंदी उर्दू अंग्रेजी में भी लिखते थे कविताएँ, ये क्वेश्चन बन सकता है किस किस के मतलब लैंग्वेज में लिखते थे, हिंदी उर्दू और अंग्रेजी में। आगे दीनानाथ कौल का जन्म 1916 में श्रीनगर में हुआ था और 1988 में इनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद में 1986 में उन्हें अपने कविता संग्रह सिहिल कुल के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, ये भी आपको नोट करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्री ने कौल की इसी कविता को क्या पढ़ा, हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल लेक में खिलते हुए कमल जैसा, हमारा वतन नौजवानों के गर्म खून जैसा, मेरा वतन तेरा वतन हमारा वतन दुनिया के सबसे प्यारा वतन। ठीक है, ये इनका था, वो देख लेना है आपको, ये तो आपको अगर लिखते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 15 है, किस बैंक ने कॉर्पोरेट ऋण और इंड सूर्य शक्ति यानी इंड सूर्य शक्ति उत्पादों को लॉन्च किया है, तो ये किया है इंडियन बैंक ने। ठीक है, आगे ब्रसेल्स में प्रतिष्ठित आयुर्वेद रत्न अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किए गए प्रताप चौहान जी को है, वो आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया 2020 के लिए, ब्रसेल्स में था। ठीक है, किस राज्य ने YSR पेंशन कनुका योजना शुरू की है, तो ये कि आंध्र प्रदेश सरकार ने, जितना जानते हो आंध्र प्रदेश के बारे में जितना अब मुझे बता देना। ठीक है, किसने कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो वो बने हैं प्रमोद अग्रवाल जी जो बने थे फेब के अंदर। देश की तीसरी प्राइवेट ट्रेन इंदौर और किस शहर के बीच चलेगी, तो वाराणसी के बीच में चलेगी, इंदौर और वाराणसी के बीच। ठीक है, आगे है समाचार पत्र मूक नायक जिसने हाल ही में 100 साल पूरे किए किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा है, वो मूक नायक जो अखबार है समाचार पत्र है वो उनको 100 साल हो गए हैं। ठीक है, यानी 100 साल से वो चल रहा है, कौन सा मूक नायक जो समाचार पत्र है वो 100 साल से चल रहा है। ठीक है, ओके, आगे है हमारा क्वीज आ चुका है जो कि आपको नोट करना है क्वीज को अच्छे से। ठीक है, 20 क्वेश्चंस हैं जो कि नोट कर लेना है वीडियो स्किप करके। ओके, हो गया है नोट, तो चलता हूँ मैं आगे। हाल ही में किसे असम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए हैं, तो वो है प्लब भट्टाचार्य। प्लब भट्टाचार्य को है वो असम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आगे, रेसलर रविंद्र कुमार को डोप टेस्ट में फेल होने के लिए कितने साल के लिए प्रतिबंध किया है, तो ये 4 साल के लिए। सबसे पहले तो बार कि रविंद्र कुमार जी है ये रेसलर हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रविंद्र कुमार किस खेल से संबंधित है, तो रेसलर से हैं। कितने साल के लिए प्रतिबंध किया है, 4 साल से के लिए प्रतिबंध किया है। किस देश ने 32F और 35 फाइटर जेट्स की खरीद के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 4.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का करार किया है,
तो ये किया पोलैंड ने। ठीक है, आगे है, भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो दीपा मलिक को है, वो भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है दीपा मलिक को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 14,000 रन पार करने वाले 8वीं भारतीय बन गए हैं। ठीक है, 8वीं भारतीय हैं रोहित शर्मा, 14,000 रन पार करने वाले। गोपाल बांगले को किस देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका के हैं गोपाल बांगले। गोपाल बांगले को क्या है, वो श्रीलंका के, वो भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। 100 T20 मैच खेलने वाले तीसरे पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो रोस टेलर ने, जो कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, आगे, भारत और किस देश ने अड्डू एटोल के 5 द्वीपों में अड्डू पर्यटन क्षेत्र की स्थापना के लिए 5 समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मालदीव के साथ में किया है। ठीक है, मालदीव के बारे में जितना जानते हो अब बता देना मुझे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, आगे है, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का सद्भावना राजदूत किसे बनाया है? तो सौरव गांगुली को। ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का सद्भावना राजदूत किसे बनाया है? सौरव गांगुली जी को। ठीक है, आगे है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए पहला स्थान प्राप्त किया है? तो मध्य प्रदेश ने है, वो मातृ वंदना योजना के लिए सबसे पहले शुरुआत करने वाला राज्य बना है। वार्षिक एंकुशी पुस्तक मेला किस देश में आयोजित किया जाता है? तो ये एंकुशी जो पुस्तक मेला है ये बांग्लादेश में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस शहर में तटीय सुरक्षा अभ्यास मातला अभियान आयोजित किया? तो ये कोलकाता में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में है, 2017-18 के लिए किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वो किए जाएंगे वहीदा रहमान को। ऑप्शन नंबर वहीदा रहमान है, उनको सम्मान किया जाए किशोर कुमार सम्मान से। आगे, कला महोत्सव काला घोड़ा का 21वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा सही आंसर है इसका। आगे है, 2020 में कौन सा देश G20 प्रेसिडेंसी की मेज़बानी करेगा? तो 2022 में इसकी मेज़बानी करेगा भारत। ठीक है, कौन सा देश एक बार फिर राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बन गया है? तो मालदीव, मालदीव है एक बार फिर से राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बन गया है। राष्ट्रमंडल देश है वो कौन कौन से हैं ये मुझे आप थोड़ा बता देना। किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक स्मारकों की महत्ता बनाए रखने के लिहाज से किलों पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने इसका आदेश दे दिया है। ठीक है, 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया। मेड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मिलिंद सोमन। ठीक है, बहुत सारी किताब करने वाले हैं हम। ठीक है, मैं आपको बहुत किताबें बताऊंगा, कम से कम मेरे हिसाब से लगभग 400 या 500 से किताब ऊपर ऊपर है। 2018-19 की जो किताबें हैं वो सारी करने वाले हैं। मेड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मिलिंद जो है सोमन है वो है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे अपना क्यूज आ गया है, क्यूज आपको नोट करना है अच्छे से। ठीक है, 20 क्वेश्चंस रहेंगे इसके, क्यूज को नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, हर एक मतलब दो पेज के बाद में बोल रहा हूँ आपको कि इसको नोट करना है अच्छे से। ठीक है, वीडियो स्किप करना है और नोट करना है आपको। हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, विश्व कैंसर दिवस 2020 का विषय क्या था? तो वो था आई एम एंड आई विल। ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा सही आंसर है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है ये मुझे आप बता देना थोड़ा सा, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, नहीं तो मैं तो आपको बहुत बता चुका हूँ भाई, मैं बहुत बता चुका हूँ। और स्पेशल आपको मैं यार वीडियोज़ भी डाल रहा हूँ, यानी मंथली वीडियो डाल रहा हूँ, जिसके अंदर जनवरी महीने के कौन कौन से डे इंपॉर्टेंट है वो मैंने डाल दिया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक मैं डाल चुका हूँ, दो वीडियोस डाले हैं, उसके थीम भी है, डेज भी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है और उनके बारे में जितना एक्सप्लेनेशन बन सकता है वो मैंने सारा बता रखा है। तो आप वीडियो वहाँ जाकर देखो तो सही एक बार, अगर नहीं देखोगे तो फिर आपको किसे पता चलेगा कि हमने क्या क्या बता रखा है। ठीक है, मेरे पास में इस यानी 1200 क्वेश्चन बताऊँगा लगभग,
3 घंटे के आसपास क्लास हो जाएगी, तो आप इसको ढंग से देख लो, इसको सिर्फ देखना है 2 से 3 बार, तो आपको जो कि याद हो जाए इसको, ठीक है। वो छोटे छोटे वीडियो है 10 10 12 12 मिनट के, वो आप देखो, वहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे है, किस देश ने चीनी नागरिकों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल सेवा को स्थायी रूप से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? तो ये किया बांग्लादेश ने। भाई विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है ये मुझे आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते ये मुझे देखना है, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस 2020 का विषय यानी थीम था, वो था आई एम एंड आई विल, लेकिन ये कब मनाया जाता है ये मुझे आप बताओगे, ठीक है। अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला बधिर व्यक्ति का नाम बताइए, तो वो थे मो ओब्रायन। मो ओब्रायन है ये अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला बधिर व्यक्ति है, ठीक है। ये कहाँ के हैं ये मुझे बताना है आपको। 81वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो वो जीते हरमीत देसाई जी, ठीक है। वो 81वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप थी जिसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हरमीत देसाई जी ने। महिला वर्ग में हरियाणा की जो सुतीर्था मुखर्जी है उन्होंने खिताब जीता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर आपको मेल का पूछेगा तो वो है हरमीत देसाई जी, और फीमेल का पूछे तो वो हरियाणा की है सुतीर्था मुखर्जी, ठीक है। 2019 के लिए टेलीकॉम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वो है राम सेवक शर्मा जी। राम सेवक शर्मा जी को क्या है 2019 के लिए टेलीकॉम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है, ठीक है। आगे है, 2019 के लिए टेलीकॉम पर्सन ऑफ द ईयर इलेक्शन हो चुका है अपना? नहीं, नहीं हुआ। तो ये है हमारे 2019 के लिए टेलीकॉम पर्सन ऑफ द ईयर किस रूप में नामित किया है, तो राम सेवक शर्मा जी को नियुक्त किया है टेलीकॉम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में, ठीक है। जनवरी 2020 तक देश में कितने प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो जनवरी 2020 तक 723 है वो कौशल केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। भारत किस देश को पछाड़कर विश्व स्तर पर दूसरे सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया है? तो अमेरिका को पछाड़कर, ठीक है, ओके, पहले पर चीन है। आगे है, रामसात AR किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर है। आगे है, किस राज्य ने हाल ही में सभी प्रकार के ऑनलाइन लॉटरी जो स्कीम्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये पंजाब सरकार ने, ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ये हमारा सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित किया है? तो ये किया है केरला ने, केरला ने है वो राज्य आपदा घोषित किया किसको? कोरोना वायरस को। आगे, NCERB की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने सबसे अधिक लापता महिलाओं की संख्या दर्ज की है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। यानी जो इसके अंदर NCERB की रिपोर्ट के अंदर अपन देखें तो सबसे अधिक लापता महिला पहले पर महाराष्ट्र, दूसरे पर पश्चिम बंगाल और तीसरे पर मध्य प्रदेश है। और सबसे अधिक लापता बच्चे की बात करें तो उसके अंदर मध्य प्रदेश फर्स्ट पे, पश्चिम बंगाल सेकंड पे और बिहार थर्ड पे रहा है, ठीक है। किस राज्य ने राज्य में बाल मजदूरी, बाल दुर्व्यवहार तथा बाल शोषण के खिलाफ जो है जन चेतना का संदेश देने के लिए मुक्ति कारवा संदेश रथ को हरी झंडी दिखाई है? तो ये दिखाया राजस्थान ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर है। आगे है, किस मंत्रालय ने संतुष्ट पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये किया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा सही आंसर है इसका, ठीक है। आगे है, द बैंकर ने एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार के लिए किसे नामित किया है? तो RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी को ही क्या किया है वो सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से वो सम्मानित किया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में किसानों की सिंचाई के लिए निर्बंध जल मुहैया करने और बिजली पैदा करने के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए के जो उज्ज बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये कठुआ जो है वहाँ का जिला है जम्मू कश्मीर का, उसके अंदर शुरू की है, ठीक है। आगे है, साइबर मीडिया रिसर्च CMR की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत में 5G स्मार्टफोन की बिक्री 144 मिलियन हो जाएगी? तो 2025 तक, ठीक है। आगे है, मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो मुगल गार्डन है ये नई दिल्ली में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA अवार्ड्स का 21वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा यानी किया जा चुका है? तो इंदौर में।
भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण तकनीकी त्यौहार अंत प्रज्ञा किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये तेलंगाना में। उसके बाद में है बेडमैन किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ये है गुलशन ग्रोवर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है, इसका ये हमारा सही आंसर है। आगे है हमारा जो कि क्वीज रहेगा 20 क्वेश्चन का, आपको वीडियो स्किप करना है, उसको नोट करना है। ठीक है, इसको नोट करने के बाद में आगे चलते हैं, वीडियो स्किप करके नोट कर लेना है आपको। आगे है NAVIC किस देश की नेविगेशन प्रणाली है? तो ये है भारत की। ठीक है, भारत की है ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 10 में से कितने भारतीय अपने जीवन काल में कैंसर से ग्रसित होते हैं? तो एक। ठीक है, 2020-21 के बजट में सरकार ने किसानों को देश भर में जल्द खराब हो जाने वाले कृषि उपज के सप्लाई के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो किसान रेल के नाम से ये पहल शुरू की है। उसके बाद में भारत किस शहर में समुद्री सहयोग पर चौथे पूर्वी एशियाई शिक्षा सम्मेलन का, सॉरी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो करेगी? तो ये चेन्नई के अंदर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी, इसका सही आंसर है। आगे, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नागरिकों को न्याय प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर किस प्लेटफॉर्म को स्थापित करने का निर्देश दिए हैं? तो ग्राम न्यायालय। ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। किस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय बागवानी मेला 2020 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये बेंगलोर में। ठीक है, किस देश ने हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए देश में मुफ्त प्रवेश को समाप्त कर दिया गया है? तो भूटान के, जो भी मतलब भारतीय पर्यटक के रूप में आते थे उनको उनका जो प्रवेश है ये मतलब समाप्त कर दिया गया मुफ्त के अंदर। ठीक है, आगे है 11वें डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये लखनऊ में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST डिजिटल रूप में जो पूम पुहार पोर्ट शहर का पुनर्निर्माण कर रहा है, इस शहर को किस वंश ने स्थापित किया था? तो ये चोल राजवंश ने स्थापित किया था। ठीक है, किस वर्ष तक तपेदिक को ख़त्म करने के लिए, यानी टीबी को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अभियान शुरू किया है? 2025 तक है वो, पूर्णतः ख़त्म होने का है वो इरादा है। हाल ही में किस राज्य में हुबली में धारवाड़ बंस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो ये कर्नाटक के अंदर है, हुबली से धारवाड़ बस रैपिड जो ट्रांजिट सिस्टम है उसका उद्घाटन किया है कर्नाटक में। आगे है, किस देश की फिल्म बेबे को टेल मी व्हेन आई डाई को 16वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का गोल्डन कोज पुरस्कार मिला है? तो ये फिल्म कहाँ की है? तो ये ब्राजील की है, बेबे को टेल मी व्हेन आई डाई, जो कि 16वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी उसका गोल्डन कोज पुरस्कार मिला इस फिल्म को। ठीक है, आगे है, इज्जत नगर स्थित भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने किस बीमारी के लिए किफ़ायती जो टीका विकसित किया है? तो स्वाइन फ्लू का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। किस सरकारी विभाग ने जो पुरस्कृत जो विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान नामक एक योजना शुरू की है? तो ये किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। क्वेश्चन नंबर आगे है, रणजी ट्रॉफी में 12 रन बनाने वाला पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो बने हैं वसीम जाफर। कौन सा देश 2021 में प्रशांत द्वीप समूह सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा जापान। कौन सा देश रग्बी अफ्रीका जो अंडर 20 टूर्नामेंट में जिसे बोथेस ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है, भाई इंपॉर्टेंट लगा लेना, बोथेस ट्रॉफी किसके नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है रग्बी जो अफ्रीका के अंदर हो रहा है अंडर 20 टूर्नामेंट है उसे बोथेस ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। उसकी मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो वो कर रहा है केन्या। ठीक है, आगे है, कन्नड़ रत्न पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया था? तो ऋषभ शेट्टी जी को। आगे है, रवि सिंह जिनका हाल में निधन हो गया वह एक प्रसिद्ध थे? तो ये थे प्रसिद्ध कवि थे एक। ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर है। आगे है, अपनी अनुवादित पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है विनोद कुमार शुक्ला जी ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर है। आगे है जो कि हमारा इसका क्वीज रहेगा, ये आपको इसको नोट करना है, अच्छे से नोट करना है इसको, 20 क्वेश्चन है, इसको नोट करके फिर वीडियो स्किप करना और अच्छे से नोट करना इसको। ठीक है, नोट हो गया, चलता हूँ आगे मैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक में भारत में जो भारत है उसका कौन सा स्थान है, तो वो है 40वां। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये कोची में। ठीक है, भारत ने कच्चे तेल के आयात के लिए किस देश के साथ निश्चित अवधि के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो रूस के साथ। ठीक है, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को से विश्व विरासत प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो जयपुर को। ठीक है, जयपुर है, ये राजस्थान की राजधानी है। आगे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो वो है मोदरेट्टी श्रीधर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है, ये हमारा सही आंसर है। किस राज्य ने जन सेवा योजना शुरू की है जिसके तहत सरकार की सेवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी, तो ये कर्नाटक ने शुरू किया है। आगे, प्रणव कुमार गोगाई जिनका हाल ही में डेथ हो गया, वे किस राज्य विधानसभा के पूर्व स्पीकर थे, तो ये असम में है, वो स्पीकर थे विधानसभा के अंदर। ठीक है, प्रणव कुमार गोगोई जी। आगे, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो वो चुनेंगे अभिषेक डालमिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर है। आगे है, 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है, तो ग्रेटा थुनबर्ग को। ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा सही आंसर है। आगे, डेनियल आरोप मोई जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति थे, तो ये केन्या के थे। यानी केन्या के बारे में आप जितना जानते हो आप मुझे बता देना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि भोजन न्यूज़ के अंदर रहा है ये देश। आगे है, लॉर्ड जे लॉर्ड ऑफ एनिमिटी पॉप स्टार लॉर्ड जे की आत्मकथा है, इस गायक का जन्म भारत के किस शहर में हुआ है, तो ये इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ऑप्शन नंबर इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। आगे है, किस देश ने हाल में जेबेल अली क्षेत्र नामक ये प्राकृतिक गेह क्षेत्र की खोज की है, तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, कौन सा राज्य वैश्विक चिकित्सा डेटा लीक से प्रभावित राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है, तो महाराष्ट्र। आगे, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत अनुमानित की है, तो 4.9% की थी फेब के अंदर, लेकिन अब इसका क्या है ये मैं आपको वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, बहुत बार बताया मैंने। ठीक है, आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में देश के 13वें प्रमुख बंदरगाहों की स्थापना को मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, ये हमारा सही आंसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में देश के 13वें प्रमुख बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दी है, तो ये महाराष्ट्र में। किस नाम से है ये मुझे आप बताओगे। तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी जिसे दिसंबर तक भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है खकरंज। ऑप्शन नंबर इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली भारत को किस देश द्वारा सौंपी जाएगी, तो रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे है, जमुना किस देश का एक नौसैनिक जहाज है, तो ये भारत का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका हमारा सी है, ये हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने भारत में बच्चों के शोषण को कम करने के लिए बाल संरक्षण कोष को लॉन्च किया है, तो ये किया है प्रिंस चार्ल्स ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए किसे वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार सम्मानित किया है, तो वो किए हैं डॉक्टर NS धर्म सक्तू को। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कुष्ठ रोग के अनुमूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए किसे वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो वो किए हैं डॉक्टर NS धर्मसक्तू को। ओके, आगे चलते हैं, अपना क्विज होगा आगे। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करना है आपको। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, वीडियो स्किप करके नोट कर लेना है। आगे चलते हैं, LNT MBDA मिसाइल सिस्टम ने हाल ही में किस शहर में मिसाइल एकीकरण जो फैसिलिटी की स्थापना की है, तो ये किया है कोयम्बटूर में। ऑप्शन नंबर जो इसका हमारा ए है, ये हमारा सही आंसर है। इसका कोयम्बटूर में किया है मिसाइल सिस्टम ने, यानी वो मिसाइल एकीकरण फैसिलिटी की स्थापना की है कोयम्बटूर में। आगे, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने एक नया व्यापक स्वास्थ्य बीमा रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी लॉन्च किया है, इस पॉलिसी में कितने दिन पहले और कितने दिनों के बाद अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा उपलब्ध है, तो 90 दिन पहले और 180 दिन के बाद में भर्ती होने मतलब वाला है इसके अंदर। ये स्वास्थ्य बीमा रिलायंस हेल्थ जो इन्फिनिटी है वो लॉन्च किया है इस पॉलिसी के तहत, 90 दिन पहले और 80 दिन के बाद अस्पताल में भर्ती हो सकता है।
आगे डी मंजूनाथ, जिनका हाल ही में डेथ हो गया, किस राज्य के पूर्व विधान परिषद के अध्यक्ष थे? तो ये कर्नाटक के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा इसका सही आंसर है। आगे है, किस देश ने फिलिप बार्टन को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो फिलिप बार्टन है, ये ब्रिटेन से हमारे भारत में नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। आगे, जेफ वेंडर ने किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दिया है? तो लिंक डेलन के थे जेफ वेंडर, जिनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है। अब कौन है ये मुझे बताओगे, इन कंपनी के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो कौन बने हैं? आगे, लगातार तीसरे वर्ष सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू के मामले में शीर्ष पर कितने अपना मुकाम बनाए रखा है किसने? तो विराट कोहली जी ने, ठीक है, भारतीय क्रिकेट के जाने माने खिलाड़ी है विराट कोहली, ठीक है। एक भारतीय फर्म JSR जो डायनामिक स्वदेशी निर्मित वायु से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल जो खगातक लेकर आई है, इस मिसाइल की जो मार क्षमता है वो कितनी है? वो है 180 किलोमीटर तक की, ठीक है। ये आपको अच्छे से नोट करना है, 3-4 स्टार लगा लेके, ठीक है, क्योंकि अभी इसका तो बहुत काम है, ठीक है। JSR डायनेमिक स्वदेशी निर्मित वायु से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है जो है खांगतांग लेकर आई है। इस मिसाइल की मार क्षमता कितनी है? 180 किलोमीटर। आगे, प्रतिष्ठित जो मिस्टिक जो कॉलिंग लिटरेरी अवार्ड भारतीय एक वैश्विक भाषा से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो मनोज दास जी को। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर है। जिंदल साउथ वेस्ट स्टील ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऋषभ पंत को, ठीक है। अभी भारतीय टीम के जो है क्रिकेट के वो है, ओके, खिलाड़ी है ऋषभ पंत, ठीक है, और विकेट कीपर भी है। आगे है, क्रिक डगलस, जिनका हाल में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध थे, तो ये थे क्रिक डगलस, ये एक अभिनेता थे। विश्व इस्पात के आंकड़ों के अनुसार भारत कच्चे इस्पात का है वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। चाइना पहले पर है, ठीक है, भारत दूसरे पर है, जापान तीसरे पर है, USA चौथे पर है, और रूसिया पांच पर है। DRDO ने उन्नत जो पायरोटेनिक्स जो इरिगेशन सिस्टम के विकास के लिए किस देश के साथ एक प्रौद्योगिकी विकास अनुसंधान यानी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस के साथ। किस राज्य ने गांवों के मानचित्रण के लिए ड्रोन का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी है हमारा, ये हमारा सही आंसर है। गांवों के मानचित्रण के लिए ड्रोन का उपयोग करने का जो निर्णय लिया है ये मध्य प्रदेश ने लिया है। आगे है, अंतरिक्ष में कितने दिन व्यतीत करने के बाद क्रिस्टीना को धरती पर लौट आई? तो 328 दिन के बाद लौट के आई थी, क्योंकि क्रिस्टीना कोच है वो अंतरिक्ष से धरती पर, ठीक है, 328 दिन के बाद में। आगे, फीमेल जेनिटल जो म्यूटिलेशन के लिए जीरो टॉलरेंस, महिला जनजांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ये इसका सही आंसर है। डॉक्टर BC रोय जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल किस राज्य ने जीता? तो मिजोरम ने। लखनऊ में आयोजित अफ्रीका भारत और अफ्रीका डिफेंस कॉन्क्लेव में किस डिक्लेरेशन को अपनाया गया? तो लखनऊ डिक्लेरेशन को। ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी है, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। सबसे पहले बात तो भारत और अफ्रीका डिफेंस कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में आयोजित हुआ था, ठीक है, और उस डिक्लेरेशन का नाम क्या था अपनाया था? वो था लखनऊ डिक्लेरेशन। किस बैंक ने आंध्र प्रदेश राज्य को विकास परियोजना के लिए $3 बिलियन का ऋण देने की पेशकश की है? तो ACI इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसने किया है 3 मिलियन का ऋण देने की जय है वो आंध्र प्रदेश राज्य को विकास परियोजना के तहत दिए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन साल के अंत तक भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ATM नेटवर्क निर्माण करेगा? तो फोन पे। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद में ये देखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वित्त वर्ष की छठी और अंतिम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट दर है वो इस टाइम फेब के अंदर 5.15% थी, और रिवर्स रेपो रेट दर थी वो 4.90% थी। CRR 4% थी, और MSF 5.40% थी, बैंक रेट 5.40% थी, और SLR है वो 18.25% थी। यानी ये आपको नोट करना है ना, इकोनॉमिक के बेस से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टैटिक के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है इनसे। आगे अपना क्विज रहेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन है, आपको वीडियो स्किप करना है और नोट करना है इसको, ठीक है, वीडियो स्किप करके नोट कर लेना है। नोट हो गए हैं तो चलता हूँ मैं आगे। क्वेश्चन है, MSME मंत्रालय ने स्फूर्ति नामक एक नई परियोजना की शुरू की है, स्फूर्ति में ऐप का मतलब क्या है? तो कोस, वो ऐप का मतलब है फंड या कोस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मुझे आप सर्च करके गूगल पे फिर यहाँ पे मेरे को कमेंट करना है, देखना है इसकी जो फुल फॉर्म है ये क्या है। आगे, सहयोगी रोबोट के
के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हब किस देश में खोला जाएगा? तो ये डेनमार्क में। डेनमार्क के बारे में जितना जानते हो आप मुझे बता देना इसका। आरती दास जिनका हाल में डेथ हो गया, वह किस शहर की पहली केबरे डांसर थी? तो ये कोलकाता की थी। ठीक है, प्रसिद्ध फिल्म इतिहासकार और प्रसिद्ध क्रिकेट पत्रकार राजू भारतान का लंबी बीमारी के बाद 86 वर्ष की आयु में उम्र हो गया। ठीक है, ये भी नोट कर सकते हो आप। इसके बाद में है, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन रोड के संगमा ने किस जिले के उमरान में मेघालय पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया? तो रीभोई में, रीभोई के अंदर है वो। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन रोड के संगमा ने है वो रीभोई उमरान में मेघालय पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया? रीभोई में। ठीक है, पुलिस अकादमी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मेघालय में। मेघालय में कहाँ हुआ है? रीभोई में। ठीक है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो के पाराशरन को है वो नियुक्त किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है राजमहेंद्रवरम के। ठीक है, आंध्र प्रदेश का ये एक है पहला दिशा पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये एक जिला है वहाँ पर हुआ है। ओके, आगे पेंशन फंड प्रबंधकों के लिए न्यूनतम निवल मानदंड को बढ़ाकर कितने करोड़ रुपये कर दिए हैं? 50 करोड़ रुपये। ओके, आगे है विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत के द्वारा। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पे। ठीक है, देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज किस शहर में बनाया गया है? तो ऋषिकेश के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पे भी। देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज है वो ऋषिकेश में हुआ है। आगे, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 2500 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय पर देश में कितने मछली पकड़ने वाले बंदरगाह के उन्नयन और आधुनिकरण का प्रस्ताव किया है? तो 25 का। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर है। आगे है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है। आगे, फिनलोफी कोजियानो गोल्डबर्ग जिन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की है, वे किस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री थे? तो विश्व बैंक के थे। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व बैंक के थे। ओके, विश्व बैंक के थे। फिनलोफी कोजियानो गोल्डबर्ग है वो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री थे। आगे, हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने देश के कितने अलग अलग शहरों में हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाने की घोषणा की है? तो सात शहरों में बनाने की घोषणा की है हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण ने। अलग अलग शहरों में हाई जो परफॉर्मेंस सेंटर्स है वो बनाने की घोषणा की है। आगे है, हाई परफॉर्मेंस हॉकी के अंदर शुरू इन 7 जगहों पर खोले जाएंगे। साई के अंदर बेंगलोर, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली, साई सुंदरगढ़ उड़ीसा, साई UDMCC भोपाल के अंदर, साई NSSNC जो इम्फाल, और बालेवाड़ी खेल परिसर पुणे, और साई के अंदर रांची। ठीक है, इन 7 जगहों पर खोला जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर है वहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर का है ये। कौन सा राज्य 25 रुपये में सब्सिडी मुक्त युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए है वो 1000 कुदुमसिरी होटल स्थापित करेगा? तो ये करेगा केरल के अंदर। आगे है, अरुणा थर्ड किस देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो ये है नेपाल की। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही आंसर है। किस देश ने 2014 में लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करते हुए हाथी के शिकार के लिए लाइसेंस की नीलामी शुरू कर दी है? तो ये किया बोत्सवाना ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बोत्सवाना के बारे में जितना जानते हो सारा बताना है मुझे। किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग पहचान पत्र जारी किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे राजस्थान के अंदर। इनकम टैक्स विभाग ने नए टैक्स स्लैब के अनुसार अपने टैक्स का आंकलन करने और कितना टैक्स देना होगा इसके जोड़ घटाव के लिए वो ई कैलकुलेटर का लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर है। आगे है, FICCI ने नई दिल्ली में कितने मध्य एशिया देशों के साथ मिलकर भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद का शुभारंभ किया है? तो 5 वो जो मध्य एशिया देश है उनके साथ कर मिलकर ही नई दिल्ली में वो भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद का शुभारंभ किया है। ठीक है, आगे क्वीज है जो कि आपको नोट करना है अच्छे से। ओके, वीडियो स्किप करके नोट करना है। नोट हो गया तो मैं चलता हूँ आगे। आगे है, लिविंग इंडेक्स और जो म्यूनिसिपल जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2019 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। कौन सा मेट्रो रेल भारत में दूसरे सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो हैदराबाद का।
ठीक है, बन गया है, यानी हैदराबाद बन गया है। किस भारतीय संस्थान ने मॉक लैब द्वारा 2020 में टॉप बिजनेस स्कूलों की वैश्विक सूची में तीसरी रैंक हासिल की है? तो ये की है IIM बेंगलोर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर है। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI 10 फरवरी से 14 फरवरी 2020 तक किस विषय के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन कर रही है? तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, यानी MSME। ठीक है, आगे है, रोगी सुरक्षा और गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाओं में किफ़ायती भविष्य तकनीकी समाधान मुहैया कराने के लिए किस IIT संस्थान ने एम्स मंगलागिरी के साथ करार किए हैं? तो IIT मद्रास के साथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर है। आगे है, एबीगेल स्पियर्स किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेनिस से। ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी हमारा सही आंसर है। आगे है, रोगर खान जिनका हाल में डेथ हो गया किस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक थे? तो द बॉय ऑफ समर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जिसका हमारा ए है ये हमारा सही आंसर है। ये नहीं, रोजर खान है, ये द बॉय ऑफ समर जो पुस्तक है उसके लेखक थे जिनका हाल ही में डेथ हो गया। किस देश ने 27 राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन यानी इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अलायंस के शुभारंभ की घोषणा की है? तो ये किया अमरीका ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर है। आगे है, ओलंपिक टॉर्च रिले शुरू करने वाली पहली महिला एथलीट कौन होगी? तो ये होगी एना कोराका की। जो एना कोरोका की है ये ओलंपिक टॉर्च रिले शुरू करने वाली पहली महिला एथलीट होगी। ठीक है, एना कोराका की। बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये फिलीपींस के अंदर आयोजित की जाएगी। किस कंपनी ने इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ मिलकर कैंसर मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? तो हेलो जो कंपनी है उसके साथ मिलकर है, वो इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ मिलकर ही है वो ये जो कैंसर मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के लिए डैम जो खरखरेन पियर्स को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इस देश के लिए पहली महिला ब्रिटिश राजदूत होगी। यानी किस देश के लिए डैम करेन पियर्स को राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? इस देश के लिए वे पहली महिला ब्रिटिश राजदूत होगी। तो वो अमेरिका के लिए। ऑप्शन नंबर हमारी सी है या सही आंसर है। आगे है, मेगा इंडस्ट्रियल प्रदर्शनी जो एंगिक्सपो 2020 का 6ठा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो गुजरात के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो ए है ये हमारा सही आंसर है। 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये मुंबई के अंदर। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर है। आगे है, चीन ने शोधकर्ताओं के द्वारा कोरोना वायरस के मेजबान के रूप में किस जानवर की पहचान की गई है? तो वो है पेगोलिन। ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। किस राज्य के रियल टाइम प्रदूषण निगरानी प्रणाली ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2019-20 प्राप्त किया है? तो ये किया आंध्र प्रदेश सरकार ने। आगे, ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो ये है के रामकृष्ण राव की। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, ओके। आगे है, बेलगाम दौड़ रहे ऑटो पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल शुरू किया है? शुरू कर दिया है, तो गाजियाबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश के जो गाजियाबाद शहर है वहाँ पर वो नकेल शुरू किया गया, नकेल जो ऑपरेशन है वो शुरू किया गया। किस भारतीय बैडमिंटन कोच को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट से पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो पुलेला गोपीचंद है, उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे है, गिरिराज किशोर जिनका हाल ही में डेथ हो गया एक प्रसिद्ध थे, तो ये थे प्रसिद्ध लेखक थे एक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है जो कि आपको नोट करना है, क्विज है अपना। ठीक है, नोट करने के बाद में आगे चलते हैं, वीडियो स्किप करके नोट कर लेना इसको। ओके, नोट हो गए हैं, तो आगे चलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाने की मंजूरी मिल गई है, जिसके अंदर जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है किस हेलीकॉप्टर की जगह लेगा? तो चेतक और चीता जो है उसकी जगह लेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो कुशल मल्ला। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। किस देश ने ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, कैबिनेट ने एयर इंडिया की सहायक एलायंस एयर को भारत और किस देश के बीच उड़ान शुरू करने के लिए मंजूरी दी है? तो श्रीलंका के बीच और भारत के बीच होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है।
आगे, किस बैंक ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ये हमारा सही आंसर है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है ये, ठीक है। आगे, नसीम शाह टेस्ट मैच में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हुए किस देश से हैं? तो ये पाकिस्तान के थे। आगे, उड़ान योजना के तहत किस राज्य की पहली नियमित हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है? तो उत्तराखंड में, ठीक है, उड़ान योजना है वो उत्तराखंड में शुरू की गई है। आगे, पुरुष वर्ग में पहला खेलो इंडिया आइस हॉकी इंडिया टूर्नामेंट है वो 2020 किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर यानी LSRC, ठीक है। विश्व दलहन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है, 10 फरवरी दलहन दिवस। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए किस राज्य ने इंटर्नशिप योजना को शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ओके, आगे चलते हैं। माउंट एकागुआ को फतेह करने वाली दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन है ये बनी है वो जो माउंट एकागुआ है उसको फतेह करने वाली दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही बनी है। आगे, थाई पुसुम है जो पर्व है किस प्रभु ईश्वर से संबंधित है? ये भगवान मुरुगन, भगवान मुरुगन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ये कहाँ पर मनाया जाता है ये भी मुझे बता देना। आगे, किस टीम ने 10वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 ए डिवीजन जीता है? तो ये जीते हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे है, प्रणास बैलिस्टिक मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या है? तो ये है 200 किलोमीटर तक की, ठीक है। आगे चलते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत लद्दाख और जम्मू कश्मीर को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? तो ये तमिलनाडु के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। जफर किस देश का उपग्रह है? तो ये है ईरान का। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला धूम्रपान मुक्त शहर कौन सा बना है? तो ये बना है जजसपुर, जजपुर है ये छत्तीसगढ़ का पहला राज्य है जो धूम्रपान मुक्त शहर बना है। कौन सा राज्य अपना पहला होर्निबिल त्यौहार मना रहा है? तो होर्निबिल त्यौहार मनाया जाता है त्रिपुरा के अंदर, पहली बार मनाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ऑस्कर 2020 की विजेता कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो है पैरासाइट। अभिनेत्री है रीनी जेलवेगर जूड़ी जो फिल्म के लिए मिना है। अभिनेता कौन है? जोकिन फिनिक्स जोकर फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है बोंग जून हो जो पैरासाइट फिल्म के लिए। आगे, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म कौन सी है? हेयर लव। और एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन है? टॉय स्टोरी 4। यानी ये आपको नोट करना है अच्छे से, जिससे ओस्कर 2020 के विजेता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अपना जो आगे है जो क्वीज होगा ये आपको नोट करना है। 20 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से जो कि स्टैटिक जीके भी इसके अंदर और सारा कुछ है इसके अंदर, ये आपको नोट करना है। ओके, अगर नोट हो गया है तो मैं चलता हूँ आगे। चलो, टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं जीरी वेस्ले, जीरी वेस्ले ने जीता है। जो टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट है उसके अंदर पुरुष का एकल खिताब जीता है। बार्सिलोना द्वारा विकसित दुनिया के सबसे सस्ते गन शॉट लोकेटर का नाम क्या है? वो है पार्थ, ठीक है। आगे, इस ESPN जो क्रिटिक इन्फो पुरस्कार में सार का सर्वश्रेष्ठ कप्तान किस चुना गया है? तो इयान मॉर्गन का, ठीक है। ये कहाँ किस टीम से खेलते हैं? तो ये इंग्लैंड टीम के कप्तान हैं, ठीक है, T20 में। आगे है, अन्य पुरस्कार एक दिवसीय मैच की सर्वश्रेष्ठ पारी के लिए इंग्लैंड के हरमन फोला जो है उसे मिला गया है, बेन स्टोक्स को, ठीक है। इंग्लैंड के जो जोफ्रा आर्चर को साल का सर्वश्रेष्ठ पदार्पण करने वाले खिलाड़ी चुना गया है। और ऑस्ट्रेलिया की मेगा लेनिंग और एलिसा पेरे को महिला के क्रमश सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी और गेंदबाज पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे है, जनवरी 2020 के लिए इंडियन सुपर लीग यानी ISL हीरो ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं नेरिजस वाल्सिकिस, वाल्सकिस, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। आगे है, प्रीमियर बैडमिंटन लीग यानी PBL 2020 के खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है बेंगलोर रेप्टर ने, बेंगलोर रेप्टर ने जीता है PBL, ठीक है। आगे, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2020 का 5वां संस्करण आयोजित किया गया? तो ये होता है अजय वॉरियर है ये भारत और UK के बीच में होता है, ठीक है। आगे है, नॉर्दर्न जो कोल फील्ड्स लिमिटेड ने कोयला खनन में विकास के लिए किस नाम से एक अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित किया है? तो ये किया है सरस के नाम से, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे है, कोरोना वायरस फैलने के अति संवेदनशील देशों की सूची में
भारत है वो 17वें नंबर पर था, ठीक है, फेब के अंदर, लेकिन अब तो शायद मेरे हिसाब से टॉप पर है अभी तो फिलहाल। तमिलनाडु सरकार ने किस डेल्टा को एक संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया है, तो वो है कावेरी डेल्टा को, ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने वो कावेरी डेल्टा को है वो एक संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया है। आगे फेड कप 3 से 7 मार्च तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये दुबई में आयोजित होने वाला था लेकिन बाद में शायद ही हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसा कोई न्यूज़ था नहीं। हुनर हाट का आयोजन देश भर में किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है अल्पसंख्यक जो कार्य मंत्रालय उसके द्वारा। निम्नलिखित में से किसने पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप जीती है, तो ये जीते आदित्य मेहता, ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर है। आगे है महिला स्कूनर फाइनल में कर्नाटक की विद्या पिले ने मध्य प्रदेश की एमी कंपनी को 3-2 से हराकर अपने खिताब को सफलतापूर्वक बचाव किया था, ठीक है। आगे है केंद्र ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम बदलकर किस सर्वज्ञ राजनेता के नाम पर रखने का फैसला किया है, तो अटल जो सॉरी अरुण जेटली के नाम पर रखने का सोचा है फरीदाबाद का नाम, ठीक है। विश्व यूनानी दिवस किसके सम्मान में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो हकीम अजमल खान जी, जिन्हें जिन्होंने जामिया इस्लामिया जो अपना है उसके संस्थापक के रूप में भी माने जाते हैं इनको, ठीक है। FIH राइजिंग स्टार ऑफ ईयर 2019 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया है, तो ये है लाल रे मसियामी, लाल रे मसियामी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे बिंदर किस राज्य का एक नवाई सॉरी बिंदर किस राज्य का एक नया हवाई अड्डा बनना है, तो ये कर्नाटक का, ठीक है। आगे है कवलन SOS किस राज्य का एक पुलिस ऐप है, तो ये तमिलनाडु का ऐप है। एक तूफान सियार का दूसरा नाम क्या है, तो वह सबीने है ये तूफान सियार का एक दूसरा नाम है। पश्चिम बंगाल का चावल अनुसंधान केंद्र है वो मुक्त सोरी नाम से एक नई किस्म चावल लेकर आया है, मुक्तोसरी नाम से, ठीक है, पश्चिम बंगाल में चावल अनुसंधान केंद्र। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो ये 11 फेब को मनाया जाता है। आगे है ये क्विज है अपना, नोट कर लेना है आपको अच्छे से, 20 क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर जो कि नोट करके आपको, ठीक है, आगे चलना है, वीडियो स्किप करके नोट कर लेना है। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच स्टेट, तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। और कंजार मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विद विच कंट्री, तो ये कजाकिस्तान। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क इन विच स्टेट, तो हरियाणा के बीच है, ठीक है। यानी आपको ये नोट कर लेना है अच्छे से, विच गेम्स विल बी द होस्टेड बाय द डाकर इन 2022 समर यूथ ओलंपिक्स। ओके हो गए नोट, चलते हैं आगे। यरूशलम दुबई महोत्सव का कौन सा संस्करण दुबई में आयोजित किया जाएगा, तो पहला था इसलिए इम्पोर्टेंट है। यरूशलम जो मुंबई महोत्सव का कौन सा संस्करण मुंबई में आयोजित किया जाएगा, तो ये पहला संस्करण है यरूशलम। कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया है जहाँ फेसबुक ने महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश ने। किस शहर में राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित किया गया है, भोपाल में, ठीक है। आगे है वन्य जीवों की प्रवासी प्रजाति के संरक्षण पर जो COP का 13वां संस्करण था किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये गांधीनगर में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ये गुजरात का गांधीनगर है, ठीक है ना, अच्छे से ध्यान रखना है आपको। विद्यार्थियों को पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है, तो रीडिंग मिशन हरियाणा, ऑप्शन हमारा ए हमारा सही आंसर है। किस टीम को ICC महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की गई है, तो ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। किस एयरलाइन ने अपनी उड़ान बुकिंग साइट को सोमवार से हिंदी भाषा में शुरू किया है, तो वो किया है इंडिगो ने। ओके जेम्स फोस्टर को IPL 2020 के लिए किस टीम का फील्डिंग को नियुक्त किया गया है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स के। आगे है भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घातक कोरोना वायरस से कौन होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम क्या रखा है, तो ये सबको ही पता है, COVID-19। आगे है घोरेला पेड्रा मरवाही उद्घाटन किस राज्य के 28वें जिले के रूप में हुआ है, घोरेला पेड्रा मरवाही उद्घाटन किस राज्य के 28वें जिले के रूप में हुआ है, तो छत्तीसगढ़ का बना है ये, ठीक है। आगे है ए कॉमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 पुस्तक लेखक कौन है, तो ये है KK खंडेलवाल,
बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है। के खंडेलवाल ये कौन थे ये मुझे आप थोड़ा बता देना। राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन 7 मार्च से किस स्थान पर किया जाएगा, तो ये गुलमर्ग में, ये कहाँ पर है थोड़ा बताना मुझे, ठीक है। आगे है नंदू आर कुलकर्णी जिनका हाल ही में डेथ हो गया, ये प्रसिद्ध थे पत्रकार थे ये, ठीक है। नंदू आर कुलकर्णी ये प्रसिद्ध पत्रकार थे। 33वां अफ्रीका संघ शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, अदीस अबाब में, ठीक है। आगे चलते हैं, किस राज्य ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है ये मंजूरी, ठीक है। कौन सा राज्य नवंबर 2020 के CFL और जो फिलामेंट बल्ब का प्रतिबंध लगाएगा, तो ये लगेगा केरला। झारखंड की किस राजनीतिक पार्टी का भाजपा में विलय होगा, तो ये है झारखंड विकास मोर्चा यानी प्रजातांत्रिक जो पार्टी है उसका भाजपा के साथ में विलय हुआ था। आगे सेफर इंटरनेट डे यानी इंटरनेट सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 फरवरी को मनाया जाता है, ओके। आगे है निम्नलिखित में से किसने तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है, तो ये जीता है डेविड वार्नर ने जो ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन ओपनर क्रिकेटर है, ठीक है। तेज गेंदबाज वेस आगर को द ब्रेडमैन यंग क्रिकेट ऑफ द ईयर से चुना गया है। महिलाओं को के खेल में बेबेलिडा क्लार्क पुरस्कार एलिसा पेरी को दिया गया है, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। आगे है जो अपना क्विज रहेगा ये नोट कर लेना है आपको, अच्छे से नोट करना है, ओके। नोट हो गया है इतना 17 तक, तो आगे 2-3 और है ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। विच एयरलाइन इंट्रोड्यूस द डिस्कवर इंडिया स्कीम्स, तो एयर इंडिया नाम से शुरू किया गया है स्कीम जो है डिस्कवर इंडिया, ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है अच्छे से। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को, यानी तेरी मेरी कहानी यानी 13 फरवरी, ये सब बता रखे हैं मैंने। आगे 12 फरवरी को ही चार्ल्स डार्विन की याद में डार्विन डे भी मनाया जाता है, ओके। किस कानून और न्याय मंत्रालय में न्याय विभाग के सचिव को रूप नियुक्त किया है, तो वह है वरुण मित्रा, ठीक है। आगे है भवन हंस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह है संजीव राजदान, ओके। फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ स्थानीय कारीगरों के ऑनलाइन मार्केटिंग पर एक मंच प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये है असम के अंदर, ठीक है। अखिल भारतीय संतरज महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है, तो अजय पटेल को। दुबई में आयरमैन जो ट्रायथलोन 17.3 को पूरा करने वाला पहला नेत्रहीन एथलीट कौन बना है, ये बने हैं निकेत दलाल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है इसका। आगे है सरदार पटेल स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति है, ठीक है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड इमारा के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो चुने गए हैं करीना कपूर खान, ठीक है। किस तारीख से देश में जो बेचे जाने वाले सभी चिकित्सा उपकरणों को ड्रग्स के रूप में माना जाएगा, तो 1 अप्रैल से। राजीव रंजन को किस राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है, तो झारखंड का, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। राजीव रंजन है वो झारखंड के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए हैं। किस राज्य सरकार ने अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा की है, तो महाराष्ट्र ने। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस जिसकी जयंती के उपलक्ष्य मनाया जाता है, तो सरोजनी नायडू के उपलक्ष्य जयंती होती है तभी राष्ट्रीय महिला दिवस जयंती मनाई जाती है, कब मनाया जाता है ये मुझे बताना आप, इसका जो डेट है ये क्या है ये आप मुझे बताओगे, ओके। आगे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने साल 2020 के लिए वैश्विक ग्रोथ के अनुमानों को घटाकर कितने फीसदी कर दिया गया है, तो ये 2.2% किया है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है ये हमारा सही आंसर है। आगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन है, तो ये है चितेसु वातनाबे, ये किस देश के हैं ये मुझे आप बताओगे, चितेसु वातनाबे, ठीक है। आगे है प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किस दिवंगत केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया है या किया जाएगा, तो सुषमा स्वराज जी के नाम पर ही प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर है वो दिवंगत केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा जाएगा। किस राज्य ने आग फो हुबा कार्यक्रम शुरू किया है, तो मणिपुर में।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस भारतीय नौसैनिक जहाज को राष्ट्रपति के रंग यानी प्रेसिडेंट्स कलर ध्वज प्रदान किया है? तो INS शिवाजी। ठीक है, द थिन माइंड मैप बुक पुस्तक लेखक कौन है? तो वो है धर्मेंद्र रॉय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, किस भारतीय मूल के राजनेता को ब्रिटेन के नई वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक को जो अपने भारतीय मूल के राजनेता है वो ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ऋषि सुनाक। किस राज्य ने बीमारियों एवं कम तापमान के प्रतिरोध रबड़ RRII 429 की एक नई किस्म जारी की है? तो ये की है त्रिपुरा ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे वेडेल रोड्रिक्स जिनका हाल ही में डेथ हो गया, वे प्रसिद्ध थे? तो ये थे फैशन डिजाइनर। ऑप्शन नंबर फैशन डिजाइनर बी है, ये सही आंसर है। आगे है अपना क्वीज होगा जो कि आपको सबको पता ही है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 20 क्वेश्चन रहेंगे अपने। ठीक है, नोट हो गया है तो मैं चलता हूँ आगे। वीडियो स्किप करके नोट कर लेना इसको। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। टेलीकॉम कंपनी MTNL इज सेट टू मार्ज विथ विच कंपनी? तो BSNL के साथ में हुआ है, ये मार्जिन हुआ है। मित्रा शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज टेक प्लेस इंडिया एंड विच कंट्री? तो श्रीलंका के बीच में मित्रा शक्ति होता है। सांची स्तूप माथिफ इज ऑन विच नॉट? तो सांची की स्तूप है ये 200 के नोट पर है, इनकी सांची स्तूप की जो फोटो दिखाई देती है सबको ही है, पता है। ठीक है, सुनील जो छेत्री इज एसोसिएट विद विच स्पोर्ट्स? तो फुटबॉल से खेलती है सुनील छेत्री। हु इज द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंडिया? तो वो है एडमिरल करमबीर सिंह। राम गंगा डैम इज इन विच स्टेट? उत्तराखंड में है। तो भाई ये आपको सब नोट करना है, स्टेटिक भी है इसके अंदर। ठीक है, सब कुछ है इसके अंदर, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, आगे है केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन के पहले चरण का उद्घाटन किया, यह लाइन कितने किलोमीटर तक है? तो ये है 5.3 किलोमीटर तक। ठीक है, आगे है वैज्ञानिकों ने निकटतम ज्ञात बेबी विशाल ग्रह की खोज की जिसे 2 मास 11557919B नाम दिया है। यह ग्रह पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूरी पर है? तो ये 330 प्रकाश वर्ष है, यानी कम से कम आपको हजारों साल लाखों साल लग जाएंगे यहाँ तक पहुँचने में। आगे महिलाओं को सशक्त बनाने और जैविक उपज को बढ़ावा देने के लिए कौन सा शहर राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का आयोजन कर रहा है? तो नई दिल्ली। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? तो रोबिन सिंह। रोबिन सिंह को UAE का है वो क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। आगे द बैंकर की टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 रिपोर्ट्स के अनुसार वैश्विक बैंकों की जो ब्रांड वैल्यू है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की सूची में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो है इंडसइंड बैंक। ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा सही आंसर है। किस देश ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ साथ हवाई अड्डों पर भी ई सिगरेट का प्रतिबंध लगा दिया है? तो भारत ने। ठीक है, आगे है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने किस शहर में ड्रग ट्रैफिकिंग के संयोजन पर 2 दिवसीय बिस्टेक सम्मेलन का आयोजित किया है? तो नई दिल्ली में। भाई इंपॉर्टेंट है, NCB तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, महाराष्ट्र सरकार के तो तोते उड़ा रखे हैं इन्होंने। ठीक है, रिया चक्रवर्ती भी इनके चक्कर में फंस गई है। ठीक है, तो आपको इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। नारकोटिक्स जो कंट्रोल ब्यूरो NCB है जो ड्रग्स की और जाँचें करती हैं। ठीक है, इनका जो एक संयोजन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेना कि इसका गठन कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन है और कौन है अभी फिलहाल इसका मेन कौन है, अध्यक्ष कौन है। ठीक है, वित्त आयोग ने रक्षा और अंतरिक्ष सुरक्षा पर 5 संसदीय समूह किसकी अध्यक्षता में गठित किया है? तो NKC। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर 5 सदस्यीय समूह हुई जिसका अध्यक्षता किसने की? उस वो कौन थे? वो NKC थे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हॉकी प्लेयर कौन बने हैं? तो वो बने मनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, यानी फुटबॉल टीम के हमारे कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह। आगे सलेम क्रिकेट फाउंडेशन मैदान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु में। वर्ष 2020-21 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स यानी ICI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार गुप्ता जी को किया गया है। आगे है राजेंद्र के पंचोरी जिनका हाल ही में डेथ हो गया, वे किस संस्थान के पूर्व प्रमुख थे? तो ये थे टेरी के।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे मार्सेलो रेबेलो डी सूसा जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर है, किस देश के राष्ट्रपति है? तो ये है बेनिन के। बेनिन के बारे में जितना जानते हो आप सब बता देना है। बेनिन के राष्ट्रपति कौन है? मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। ठीक है, ये है सॉरी पुत ये है पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के, सॉरी भाई नोट करना है, ये थोड़ा बाई मिस्टेक हो चुका है। ये मार्सेलो रबेलो डी सूसा है, ये किस देश के राष्ट्रपति है? तो ये पुर्तगाल के राष्ट्रपति है। ठीक है, आगे है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस न्यायाधिकरण के लंबित मुकदमों को कवर करने के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद विश्वास विधेयक 2020 में संशोधन को मंजूरी दी है? तो कर्ज वसूली न्यायाधिकरणों में। ठीक है, आगे यूनाइटेड किंगडम द्वारा COP26 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक शर्मा को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है, ये हमारा सही आंसर है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC मुक्केबाजी कार्यबल ने 52 किग्राम में किससे ओलंपिक जो क्वालिफायर के लिए पहली रैंकिंग दी है? तो अमित पंघाल को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है, ये हमारा सही आंसर है। अगर एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव बंसल को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में 63 फीट ऊंची पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पंच लोहा प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो वाराणसी में। ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर है। आगे मैसेजेस फ्रॉम मैसेंजर्स पुस्तक के लेखिका कौन है? तो प्रीति के श्रॉफ। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। केंद्र सरकार ने वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवाशीष पांडे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। केंद्र सरकार के वित्त सचिव कौन बने? देवाशीष पांडा। ओके, आगे चलते हैं, जो क्विज रहेगा अपना नोट करना है आपको, अच्छे से नोट कर लेना है। 20 क्वेश्चन हैं हमारे, 12 सॉरी भरतनाट्यम डांस बिलोंग इन टू विन विच स्टेट? तो तमिलनाडु का है। और सकारिया मेगा फूड पार्क वाज ओपन इन विच स्टेट रिसेंटली? तो ये त्रिपुरा में ओपन हुआ है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है अच्छे से। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। वो इज़ द CM ऑफ मिजोरम, तो ये आपको नोट कर लेना है अच्छे से। हो गए नोट, चलते हैं आगे। आगे कोबेल.co.uk की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा प्लान किस देश का है? तो भारत का है। ठीक है, भारत फर्स्ट पे है, किर्गिस्तान सेकंड पे है, कजाकिस्तान थर्ड पे है। कौन सा शहर पहली बार आयोजित होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फंड फेस्ट की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा गुवाहाटी। अगर बी कीपिंग के लिए अपियरी ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा जन किया गया है? तो ये खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा। आगे है संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये बना है पांडुचेरी। पांडुचेरी के अंदर मतलब इसका केंद्र शासित प्रदेश है ये। ठीक है, आगे है किस राज्य ने ज्ञान दीपिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो ये असम सरकार ने शुरू की है। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित डेन डेविड पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये गीता सेन है। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित डेन डेविड पुरस्कार 2020 किसने जीता है? गीता सेन है। रेलवे किस पौराणिक कथा पर आधारित एक नई ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है? तो रामायण पर। ठीक है, पैन कार्ड को आधार को से लिंक करने की अंतिम तिथि कौन सी रहेगी? 31 मार्च 2020। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। गो एयर किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करेगा? तो विनय दुबे। गो एयर किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त करेंगे? विनय दुबे को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई और किस शहर के बीच चलने वाली भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है? तो पुणे। ठीक है, ऑप्शन मुंबई से पुणे। ओके, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा लद्दाख। ऑप्शन सी। उड़ीसा ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने परसेंट की बढ़ोतरी की है? तो 4% की। ठीक है, आगे है केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लिए कितने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए हैं? तो 9। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया है? तो सुजीत प्रसाद की जो अध्यक्षता में किया गया है। सोनम सरीपा जिनका हाल ही में डेथ हो गया, किस संगीत बैंड के संस्थापक सदस्य और मुख्य गिटार वादक थे? तो ये थे परिक्रमा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, किस राज्य ने पहली बार किसी भारतीय पेगोलिन को रेडियो टेक किया है? तो मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। किस राज्य ने पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देने के लिए प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है? तो बिहार।
किस राज्य ने यश भारती पुरस्कार को राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारों से बदलने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, इस वर्ष के अंत में दिल्ली आयोजित होने वाले टेक्नोलॉजी समिट 2020 में कौन सा देश भारत का साझेदार देश होगा? तो ये होगा पुर्तगाल। इंपोर्टेंट लगा लेना इस पर। ठीक है, पुर्तगाल 2-3 बार आ चुका है ये न्यूज़ के अंदर है, इसके बारे में जितना जानते हो बता देना मुझे। आगे है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GICRE ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय बैंक से देश में पुनर्बीमा व्यवसाय शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है? बैंक ऑफ रूस के साथ। ठीक है, आगे कितना क्विज रहेगा जो कि आपको नोट करना है। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन विस डेट एवरी ईयर? तो 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, हर साल। इंडियन कोस्ट गार्ड जो सेलिब्रेटेड इन इट्स फाउंडेशन डे ऑन विस डे, तो 1 फेब को मनाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट फ्रूट ट्रेन रैन बिटवीन विच टू प्लेसेस, तो ये आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलो नोट कर लेना है, आपको ये सारे नोट हो गए हैं, तो चलता हूँ मैं। उभरते बाजारों में एशिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में दूसरा स्थान किस दूरसंचार कंपनी ने हासिल किया है? तो भारतीय एयरटेल ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे, पुलवामा हमले की पहली वर्षगांठ पर CRPF ने लेथपोर शिविर में एक स्मारक का उद्घाटन किया है, यह शिविर किस स्थान पर स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है, ये हमारा सही आंसर है। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक अपना फाइनेंशियल ईयर केंद्र सरकार के फाइनेंशियल ईयर के साथ चलाने का विचार कर रही है। RBI का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? तो जुलाई से जून तक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है, ये हमारा सही आंसर है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत है ने इस साल जून तक पहली एकीकृत त्रिसेवा कमान स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसका प्रमुख कौन होगा? तो वो होंगे भारतीय वायुसेना का अधिकारी। ठीक है, भारतीय वायुसेना का अधिकारी कौन होता है ये थोड़ा मुझे बताना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सबको पता है लेकिन ये PM और प्रेसिडेंट के अंदर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो ये मुझे आप बताना। ठीक है, दूसरी फसल या मानसून जो फ्लावरिंग जिसे जिसके फूल मई जून में आते हैं उसे बोलते हैं। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मृग बहार। ऑप्शन नंबर मृग बहार के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिक ने अपना सबसे गर्म तापमान कितने डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है? तो 20.75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन 2030 तक कितने मिलियन लोगों को गरीबी की ओर धकेल देगा? तो 100 मिलियन लोगों को। ठीक है, भारत ने किस देश को डेयरी और पोल्ट्री बाजार में सीमित प्रवेश देने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, US। किस राज्य ने मादक द्रव्यों और नशीली दवाओं के सेवन को रोकने के लिए योदाऊ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया केरला ने। महाराष्ट्र के लातूर में सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है? तो ये नाम रखा गया है विलास राव देशमुख के नाम पर। महाराष्ट्र में है लातूर में जो सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किस नाम पर रखा गया है? विलास राव देशमुख के नाम पर रखा गया है। किस शहर के बस स्टैंड का नाम बदलकर दिवंगत विदेशी मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज के नाम पर समर्पित किया है? तो अम्बाला, जो अम्बाला बस स्टैंड है उसका नाम बदलकर दिवंगत जो विदेश मंत्री थे हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। किसने महिला वर्ग में 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीता है जोसना चिनपा। ऑप्शन नंबर जोसन चिनपा ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत वर्ष 2019-20 के लिए मिजोरम को किस राज्य के साथ जोड़ा गया? तो बिहार के साथ, मिजोरम और बिहार साथ में रहे। भारत मार्च में किस शहर में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलान का आयोजन करने जा रहा है? तो विशाखापट्टनम में। ठीक है, ये मिलान किन किन के बीच में होता है थोड़ा सा बता देना। किससे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की नवगठित वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जी नारायणन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे है, अमेजन किस राज्य में 1.6 अरब डॉलर के निवेश के साथ 2 डेटा केंद्र जो स्थापित करेगा? तो ये तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है।
गेल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो मनोज जैन ने संभाला है गेल के अध्यक्ष और जो प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ का पदभार संभाला है मनोज जैन। ओडिशा सरकार ने राज्य के स्टार्टअप को स्मार्ट बैंकिंग के समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो HDFC बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। महाचक्री श्री धोरण जिन्होंने हाल ही में देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी का दौरा किया, किस देश की राजकुमारी है? तो ये थाईलैंड की है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। महाचक्री श्री धोरण जिन्होंने हाल ही में देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी का दौरा किया, किस देश की राजकुमारी है? तो ये थाईलैंड की राजकुमारी है। भाई थाईलैंड के बारे में जितना जानते हो बता देना मुझे, ठीक है। फोर्ब्स के रियल टाइम्स बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? तो वो बने हैं राधा किशन दमानी, ठीक है, दमानी है, राधा किशन दमानी जी बने हैं। पहले पर कौन रहा है थोड़ा बता देना मुझे, पता होना चाहिए आपको भी और मेरे को भी, ठीक है। नेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन वुज बर्थडे, तो सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है ये मुझे आप बताओगे, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है, 20 क्वेश्चन हैं हमारे ये, ठीक है, क्विज के, जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है। अगर नोट हो गया है तो मैं चलता हूँ आगे। लाइफ लॉन्ग ऑनलाइन ने अपनी फिटनेस श्रेणी के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मिलिंद सोमन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। लॉर्ड सर्वर्स ने जैकलिन फर्नांडीज को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड सर्वर्स ने जैकलिन फर्नांडीज को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ द सोसाइटी फॉर एंथ्रोपोमोलॉजी SFEC 2020 का 7वां संस्करण किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा ये देख लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। आगे नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑल स्टार गेम MVP अवार्ड स्थायी रूप से किसके नाम पर रखा गया है? तो कोम्बे ब्रॉयट के नाम पर रखा गया है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑल स्टार गेम MPV अवार्ड स्थायी रूप से कोबी ब्रॉयट के नाम पर रखा गया है, ठीक है। आगे है बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का विषय क्या है जो हैदराबाद में आयोजित की जा रही है? सबसे पहली बात तो बायो एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। उसका थीम क्या था? टुडे फॉर टुमारो, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार विश्व स्तर पर रक्षा व्यय में भारत का स्थान क्या है? तो ये 5वां है, इंपॉर्टेंट है। आगे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 जो किस शहर में आयोजित किया जाना था जो कोरोना वायरस के डर के प्रभाव के कारण रद्द कर दिया गया है? तो ये बार्सिलोना में होने वाला था, लेकिन ये कोरोना महामारी के कारण इसको रद्द कर दिया, ठीक है। गोवा ने किस देश के साथ शिक्षा पानी जहाज निर्माण पर समझौते के प्रज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो ये पुर्तगाल के साथ, यानी पुर्तगाल का 3रा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। गोवा ने किस देश के साथ शिक्षा पानी जहाज निर्माण पर समझौते का ज्ञापन हस्ताक्षर करने थे, वो किसके साथ में थे? पुर्तगाल के साथ में, तो इंपॉर्टेंट है। भारत और पुर्तगाल ने हाल ही में किस स्थान पर एक विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए लोथल, यानी एक बार फिर से पुर्तगाल का बात हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। यानी 4 बार आ चुका है आज के दिन में ही, तो इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाल से क्वेश्चन बनेगा एक, ठीक है। काशी महाकाल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश और किस राज्य के बीच चलेगी? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच चलेगी काशी महाकाल एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे कम्बाला किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो ये कर्नाटक का पारंपरिक खेल है कम्बाला। किस देश ने नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों का इलाज करने के लिए रिकवरी प्लाज्मा विकसित किया है? तो चीन ने, ठीक है, किया था। 56वें जो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन MSC 2020 विषय क्या था? तो ये था वेस्टलेसनेस, ठीक है, वेस्टलेसन्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा वेस्टलेसन्स सही आंसर है, ठीक है। आगे है टीटागढ़ वैगन्स देश में अनुसंधान जहाज बनाने के लिए वितरित करने वाली एकमात्र निजी फर्म बन गई है, इसके द्वारा विकसित दूसरे अनुसंधान जहाज का नाम क्या है? तो सागर अन्वेषिका, सागर अन्वेषिका। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे है 2020 टाटा स्टील PGTI प्लेयर्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो उदयन माने ने जीता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने किस शहर में अपना 3रा भारत विकास केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? तो नोएडा के अंदर, उत्तर प्रदेश का नोएडा। डेबी अब्राहम्स जो हाल ही में खबरों में थे किस देश
किस संसद के सदस्य है? तो ब्रिटेन के, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। ब्रिटेन भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था पिछले 2-3 महीनों से। आगे, रिचर्ड ब्रेंसन ने नई दिल्ली और किस शहर के बीच हाइपर लूप परिवहन प्रणाली स्थापित करने के लिए भारत से संपर्क किया है? तो मुंबई के साथ, ठीक है, दिल्ली और मुंबई। किस राज्य ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो ये किया है हरियाणा सरकार ने। किस फिल्म ने 65वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये रही थी गली बॉय। 2020 की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो थी गली बॉय। आगे हैं, 65वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में कौन क्या जीता है? तो बेस्ट फिल्म थी वो थी गली बॉय। जो मेन डायरेक्टर थे वो थे जोया अख्तर। जो फिल्म कौन सी के लिए काम किए थे? गली बॉय के लिए। बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल जिसमें मेल में मिला है रणवीर सिंह, जिसके अंदर गली बॉय फिल्म थी। और बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल के अंदर आलिया भट्ट, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रमेश सीपी, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन सिनेमा गोविंदा, ठीक है। यानी ये आपको जो 6 पॉइंट है अपने ये नोट कर लेना, ठीक है। आगे अपना बनता है क्विज, जो कि इम्पोर्टेंट है। आपको 20 क्वेश्चन है, ये आपको नोट कर लेना है। रबात इज़ द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, तो ये मोरक्को की कैपिटल है। यानी इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा भाई, आपको मैंने सब बता रखा है, ठीक है। फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ महाराष्ट्र वाज ओपन इन दिस डिस्ट्रिक्ट, तो सतारा, ठीक है। ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है इसके अंदर, नोट कर लेना है, ओके। आगे, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT का वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL 39,000 करोड़ रुपये में भारतीय वायुसेना IAF के लिए कितने सिंगल इंजन वाले तेज फाइटर प्लेन तैयार करेगी? तो ये करेगी 83। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे, सड़क सुरक्षा पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया था स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर है। इंस्टाग्राम पर 5 करोड़ फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने गए हैं? विराट कोहली। किस राज्य की पुलिस ने मान और प्रशंसा योजना शुरू की है? तो पंजाब ने, ठीक है। किस टेनिस खिलाड़ी ने न्यूयॉर्क ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो काइल एडमंड ने जो है न्यूयॉर्क में जो ओपन पुरुष जो एकल खिताब था उसका जीता है टेनिस में, ठीक है। आगे, रेटिंग एजेंसी मूडीज जो इन्वेस्टर्स है सर्विसेज, उसमें भारत की विकास दर अनुमान 2020 के लिए घटाकर कितने फीसद करती है? तो 5.4%। अगर फाफड़ू प्लेसेस किस खेल से जुड़े हैं? तो क्रिकेट से। किस टीम से खेलते हैं, किस देश से खेलते हैं? तो साउथ अफ्रीका से खेलते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग किस IIT संस्थान के साथ मिलकर मतदान के लिए एक नई तकनीकी विकसित करेगा? तो IIT मद्रास के साथ में, ठीक है। गली बॉय ने किस फिल्म के पहले के रिकॉर्ड को पछाड़ते हुए सर्वाधिक फिल्म फेयर पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है? तो इसका ऑप्शन है बी ब्लैक। भारत और बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 9 का 9वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये हुआ था उमरोई में, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे, घर खरीदारों और डेवलपरों के सीधे एक दूसरे से जोड़ने के लिए क्रेडाई ने किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ये है क्रेडाई आवाज़। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 2011 वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट के लिए लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? सचिन तेंदुलकर को। कैनर्स कप संतरा का खिताब किसने जीता है? कोनेरा हम्पी ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। सरकार ने स्वदेशी गायों पर शोध करने के लिए किस कार्यक्रम का नामकरण किया है? तो वो है सूत्रा PIC, सूत्रा पिक, ठीक है। कौन सा शहर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा? तो नई दिल्ली में हुई थी। आगे है, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किसके ऊपर रखा गया है? तो मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मुश्किल संवाद एंड डिफिकल्ट डायलॉग्स का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया गोवा में। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेल का आधिकारिक मोटो क्या चुना गया था? तो ये था यूनाइटेड बो इमोशन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे है, प्रवासी पक्षियों के अवलोकन निगरानी और अनुसंधान को समर्पित बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो बिहार में। इम्पोर्टेंट है, बर्ड रिंगिंग स्टेशन है वो बिहार के अंदर खोला जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर
ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, तो ये है वियना में, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है, आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, मैं 100% बोल सकता हूँ। स्टैटिक के क्वेश्चन भी है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको इसके अंदर ज़्यादा नहीं हो सकता इतना, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, वर्ल्ड यूनानी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट, तो 11 फेब को मनाया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ये नोट कर लिए हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने साल के कार्यकाल के साथ 22वें विधि आयोग को मंजूरी दी है? तो 3 साल। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर है। स्कॉटलैंड की पहली महिला वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केट फोबर्स को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। स्कॉटलैंड की पहली वित्त जो महिला सचिव नियुक्त की गई है वो है केट फोबर्स। आगे, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया गया है? तो सिमोन बाइल्स को। सिमोन बाइल्स को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। आगे है, भारत सरकार और विश्व बैंक ने देश के गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए कितने US$ मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 450 मिलियन डॉलर है, उतने डॉलर मिलियन ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। आगे, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ओके। आगे, हिंदी 2019 की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बनी है। दुनिया भर में कितने करोड़ लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? तो 61.5 करोड़, ठीक है। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इंग्लिश, जो 1132 मिलियन लोग बोलते हैं। आगे है मैड्रिन, जो 1117 मिलियन। आगे है हिंदी, ठीक है, जो 61.5 मिलियन, या ठीक है। दिल्ली पुलिस ने उबर के साथ मिलकर कैब में यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो वो है हिम्मत प्लस। हिम्मत प्लस नाम से योजना शुरू की है, यानी एक ऐप लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में। इसरो 2020-21 के दौरान कितने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करेगा? तो 10, ठीक है। आगे, गल्फ फूड 2020 का 25वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? दुबई में। किशोर बलाल, जिनका हाल में डेथ हो गया, किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे? तो ये थी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही आंसर है। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस पक्षी प्रजाति ने देश भर में भू यातायात और वितरण दोनों के काफ़ी वृद्धि दिखाई है? तो भारतीय मोर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मुख्यमंत्री शिशु दत्ता प्रोत्साहन योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान किस राज्य की योजना है? तो ये उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं, ठीक है। आगे है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को चौथा पनडुब्बी रोधी टोही युद्धपोत सौंपा है, इस पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इस पनडुब्बी का नाम है INS कवरत्ती। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सतत विकास के लिए ब्लू इकोनॉमी भारत और किस देश के बीच एक टास्क फोर्स है? तो नॉर्वे और भारत के बीच, ठीक है। कौन सा देश 2021 में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा, ठीक है। अशरफ गनी ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति है अशरफ गनी। कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नृत्य गोपाल दास को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपको नोट कर लेना है, क्विज है अपना, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना है इसको, ओके। अगर नोट हो गया तो मैं चलता हूँ आगे। हु इज़ द गवर्नर ऑफ सिक्किम? तो ये जैसे ये क्वेश्चन है, हु इज़ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? अजीत पवार। नेशनल वाटर जो कॉन्फ्रेंस 2020 वाज हेल्ड इन विच सिटी? भोपाल, ठीक है। ये नहीं, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है, नोट हो गया, चलता हूँ मैं आगे। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है, यानी 20 लोग मिलकर ही न्याय कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 फेब।
इस साल अप्रैल के पहले सप्ताह तक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण गठन कर दिया जाएगा। इसका गठन किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किया जाएगा? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत। सरकार किस उत्पादन को देश में बढ़ावा देने के लिए तिलहन मिशन शुरू करेगा? तो ये होगा ऑयल सीड। ठीक है, किस तारीख में भारत में दुनिया का सबसे साफ पेट्रोल और डीजल यूरो 6 ग्रेड डीजल बिकने लगेगा? 1 अप्रैल से। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेपाल सरकार ने 19 फरवरी को कौन सा अपना जो है राष्ट्रीय लोकतंत्रता दिवस मनाया? 17वां था। ठीक है, मोगला बंदरगाह किस देश का है? तो यह है बांग्लादेश का। किस देश ने देश की नई अंक आधारित वीजा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो यह की है ब्रिटेन। ठीक है, भारत के उच्चायोग ने किस देश में भारतीय रक्षा उपकरणों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है? तो बांग्लादेश ने। किस राज्य सरकार ने MSME क्षेत्र में उद्यमियों को जल्दी ऋण की सुविधा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है गुजरात सरकार ने। आगे, चितलपुड़ी लिफ्ट इरीगेशन परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार की परियोजना है। कर्नाटक के किस शहर के मांड्या क्षेत्र में 14,100 टन लिथियम भंडार पाया गया है? तो ये बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है, ये हमारा सही आंसर है। यानी अगर स्टेट का पूछे कर्नाटक है, कर्नाटक का अगर कोई शहर पूछे तो वो बेंगलोर है। उत्तराखंड में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस शहर में उत्तराखंड वेलनेस समिट 2020 का आयोजन किया है? नई दिल्ली। किस देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त चीफ वेगिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? संजय कोठारी जी को किया है। ठीक है, पेंशन निधि विनायक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो किए हैं सुप्रतिम बंदोपाध्याय। ठीक है, नोट कर लेना आपको अच्छे से। किसे मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो वो सम्मानित किया रतन टाटा जी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने डायरेक्ट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो रतन टाटा जी को। वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये किया 35वां। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, आगे है, 2022 में होने वाले एशियाई फुटबॉल परिसंघ के महिला एशिया कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना भारत। लैरी टेस्लर जिनका हाल ही में डेथ हो गया, किस कंप्यूटर फंक्शन के निर्माता थे? तो ये थे कट, कॉपी, पेस्ट और खोज, यानी जो ये सारों के थे। ऑप्शन ई हमारा सही आंसर है। नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में किस संस्थान को पहला स्थान दिया गया? तो CSIR को है, वो नेचर रैंकिंग इंडेक्स में पहला स्थान दिया गया। आगे है, भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड किस कब मनाया जाता है? तो ये 19 फेब को मनाया जाता है। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये आपको नोट कर लेना है, क्विज के जो क्वेश्चन रहेंगे वे आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अगर नोट हो गया तो मैं चलता हूँ आगे। श्याम प्रसाद मुखर्जी रूबरन मिशन के शुभारंभ की चौथी वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये 21 फेब को मनाई गई। 4 दिवसीय भारतीय छात्र संघ का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। आगे है, पूर्वोत्तर राज्यों में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पर आधारित कितनी प्रदूषित नदियों की पहचान केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड CPCB ने की है? तो 60 नदियों की पहचान की है जो प्रदूषित है। किस देश ने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के 2015 के सह प्रायोजित प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा की है? तो ये किया है श्रीलंका ने। ठीक है, गंगा कायक महोत्सव के 8वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। किस राज्य ने उले माओ को दुपहिया वाहन खरीदने पर 50% सब्सिडी मुहैया कराने का ऐलान किया है? तो ये किया तमिलनाडु ने। कौन सा राज्य जल्द ही राज्य भर की सभी मंडियों पर चीनी मिलों में अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलेगा? ठीक है, ये खोलेंगे हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 34वां राज्य उत्सव दिवस मनाया? तो ये मनाया अरुणाचल प्रदेश ने।
नॉर्थ ईस्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कॉन्क्लेव 2020 है उसमें किस राज्य में आयोजित की जाएगी, तो यानी असम में आयोजित की गई थी। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये किया गया था भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है, आगे है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली केवल दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है, तो वो बनी है दिव्या काकरान। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आगे, प्रज्ञान ओझा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वे किस राज्य से है, तो ये उड़ीसा के है, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। ठीक है, ISPN फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है PPV सिंधु को। फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से PV सिंधु को सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने थाई मागूर मछली प्रजनन केंद्र को नष्ट करने का आदेश किया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, किस देश ने खाद्य गृह पुरस्कार फूड प्लांट जो प्राइज है का शुरुआत की है, तो ये किया है स्वीडन ने किया, स्वीडन फूड प्लांट प्राइज की शुरुआत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है खाद्य गृह पुरस्कार। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन के 13वें जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में लुप्त प्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में घोषित किया है, तो एशियाई हाथी, गोडाउन, बंगाल फ्लोरिकन, यानी इन सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। किस पत्रकार ने 2019 के एजेंसी फारसे प्रेस से के केट वेब पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो वो कहे गए हैं अहमर खान। ठीक है, भारत बंगला पर्यटन उत्सव का आरंभ किस राज्य में हुआ है, तो ये है त्रिपुरा में। किस राज्य के उपभोक्ताओं को अब बिजली विभाग द्वारा उनकी जो शिकायतों का हल करने में देरी के लिए वित्तीय मुआवजा मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश को। ठीक है, आगे है, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारत उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगभग 3,000 टन सोने के भंडार की पुष्टि की है, तो ये सोनभद्र में हुई थी पुष्टि की, 3,000 टन सोना है इधर। ठीक है, आगे चलते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में नोट हो गया, चलते हैं आगे, एक बार थोड़ा और देख लो, नोट हो गया है तो मैं चलता हूँ। सरकार किस वर्ष तक दूध प्रसंस्करण क्षमता को 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 108 मिलियन मीट्रिक टन करने की योजना बना रही है, तो 2025 तक। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के अगले ऊंचाई के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो वो बने हैं बेरी ओ फ्रेल। ठीक है, भारत वित्तीय वर्ष 2023-24 से किस कोयले का आयात प्रदान करना बंद कर देगा, तो वो है थर्मल कोयला। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में 27 साल में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान का नाम क्या है, तो वह है सुनील कुमार। गूगल ने भारत में मोबाइल रिचार्ज सर्च को शुरू करने के लिए किस डिजिटल वॉलेट कंपनी के साथ साझेदारी की है, तो मोबीक्विक के साथ में साझेदारी की है गूगल ने। मिकी राइट, जिनका हाल ही में डेथ हो गया, वो किस खेल से जुड़े थे, तो ये जुड़े थे गोल्फ से। ठीक है, सिस्को ने की एक रिपोर्ट के अनुसार किस साल तक भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 907 मिलियन यानी करीब 90.7 करोड़ हो जाएगी, तो 2023 तक। भाई ये बहुत बुरी खबर है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल का मनाया जाता है, तो 21 फेब को मनाया जाता है। AFC चैंपियनशिप लीग के ग्रुप चरण के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय क्लब कौन सा रहा, तो वो रहा FC गोवा। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी सही आंसर है। EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो वो किए गए किरण मजूमदार शो। स्मार्टफोन ब्रांड IQOO के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विराट कोहली को। ठीक है, आगे, किस संस्था के पूर्व प्रमुख VL दत्त का हाल ही में निधन हो गया, तो ये FICCI के संस्था के पूर्व प्रमुख थे। ठीक है, वो कौन थे, VL दत्त। कौन सा शहर असम का पहला शून्य अपशिष्ट शहर बन गया है, तो वो बना है तीताबोर। तीताबोर है ये, शून्य अपशिष्ट शहर बन गया है। किस शहर या किस राज्य सरकार ने 6 से 18 वर्ष की आयु के सभी स्कूल छात्राओं को मुफ्त चश्मा प्रदान करने का ऐलान किया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जो निवेश परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी जो लाइसेंसों की समय मजदूरी है वो सुनिश्चित करेगा, मध्य प्रदेश।
आगे है सानीदर गुफा, जहाँ नए जो निडरथल मानव के अवशेष खोजे गए, किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इराक के अंदर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस छावनी में थल सेना भवनों की दर्शिला रखी है? तो ये रखी है दिल्ली में। देश की पहली फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किस नदी के तट पर किया गया? तो ये मांडवी नदी। ठीक है, भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर एक स्काउट मशीन स्थापित की है, जहां आप मशीन के सामने 180 सेकेंड में 30 दंड बैठक करते हैं करते हुए मुफ्त प्लेटफॉर्म टिकट पा सकते हैं? तो ये आनंद विहार। ठीक है, चित्रा भारतीय फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया। सी, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, गुजरात का अहमदाबाद। चित्रा भारतीय फिल्म फेस्टिवल का तीसरा संस्करण गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया गया। आगे है जो कि हम ना रहेगा, ये जो क्विज़ का क्वेश्चन रहेंगे, ये आपको नोट कर लेना है। 20 क्वेश्चन है, वीडियो स्किप करना है, नोट करना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। दिल्ली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किस नियुक्त किया गया है? शोएब इकबाल को। सरकार ने अगले 5 सालों में कितने किसान उत्पाद संगठनों के गठन के लिए मंजूरी दे दी है? तो 10,000। ठीक है, लियो वाडकर ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? तो ये थे आयरलैंड के। अब कौन बने हैं ये मुझे बता देना। भारत किस देश से 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदेगा? तो ये खरीदेगा अमेरिका से। आईबीए टीम विश्व कप 2020 के नए प्रारूप की मेज़बानी करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है रूस। यू विन माइंट 26 जो 26-29 फरवरी को भारत के आधिकारिक यात्रा पर होंगे, वह किस देश के राष्ट्रपति है? तो ये है म्यांमार के। कौन सा स्टेडियम भारत का पहला ग्रीन रेटेड क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो ये बनेगा मोटेरा स्टेडियम, बन गया है यानी सॉरी। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आधिकारिक नारा क्या है? किक ऑफ द ड्रीम। ठीक है, भारत किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेलों में गेस्ट ऑफ ऑनर होगा? तो मेडागास्कर में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रिपोर्ट के अनुसार सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 77 में। आगे, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया RFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह है राज लक्ष्मी देव, जो रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हु इज़ द भारत माता पुस्तक लेखक कौन है? वह है पुरुषोत्तम अग्रवाला। ठीक है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो सुपर 30 ने। अगर अशोक चटर्जी, इनका हाल ही में डेथ हो गया, किस खेल से जुड़े थे? फुटबॉल से जुड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा को, दोनों को किया गया है। ठीक है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले बल्लेबाज बने रॉस टेलर, ये देश किस देश से खेलते हैं? तो ये खेलते हैं न्यूजीलैंड से। किस राज्य ने प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया तेलंगाना ने। आगे, फेसनहाइम परमाणु संयंत्र जो हाल ही में खबरों में था, किस देश का है? तो ये फ्रांस का है। फेसनहाइम ये कहाँ का है? ये फ्रांस का है, ये एक परमाणु संयंत्र है। नेशनल काउंसिल ऑफ जो अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत रखा है? तो 4.9। ठीक है, आगे अपना जो क्विज रहेगा ये आपको नोट कर लेना है अच्छे से। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, अच्छे से नोट करना है। अगर नोट हो गया तो मैं चलता हूँ आगे। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 फेब को मनाया जाता है। 22 फेब को 2020 को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। द थीम ऑफ द वर्ल्ड थिंकिंग डे 2020 इज द डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन। ठीक है, आगे है एस्का दिस नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट बोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बना है? तो ये बने अमेरिका। ड्रेम समीप जो हाल ही में खबरों में किस खेल से जुड़े हैं? तो ये है क्रिकेट से। कौन सा देश परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो ये बना है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, टी ब्लॉक जो एक्सेलरेटर किस राज्य के ब्लॉकचेन जिले के लिए एक त्वरक कार्यक्रम है? तो ये तेलंगाना का। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है लघु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी MSME। ठीक है,
किस टीम ने 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती आर्मी रेड ने। आगे प्राग संतरज मात्सुयोका का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते अली रेजा फिरोजा ने प्राग संतरज मात्सुयोका का खिताब जीता है। इंडिया बाय द नील मात्सुयोका किस देश में किया जाता है? तो ये किया जाता है मिस्र में। कृषि महाकुंभ नामक 3 दिवसीय मेगा कृषि महोत्सव किस राज्य द्वारा आयोजित किया गया था? छत्तीसगढ़ के द्वारा, कृषि महाकुंभ। आगे सुनील गुरबख्शानी किस बैंक के प्रबंध निदेशक के मुख्य अधिकारी बने हैं? तो धनलक्ष्मी बैंक के बने हैं सुनील गुरबख्शानी, ठीक है, MD और CEO बने हैं। वर्ल्ड बैंक को रिकॉर्ड्स लंदन ने किस बॉलीवुड अभिनेता को WBR गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड से नवाजा गया है? तो मनोज कुमार को। रेलवे के किस पोर्टल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड नागरिक केंद्रित डिलीवरी प्रदान करने में उत्कृष्टता की श्रेणी के तहत सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रेल मदद नामक जो था तो उससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। 34वें कौन से ओपन संतरेज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश ने, इंपॉर्टेंट है। 34वें कॉर्नर्स ओपन संतरेज टूर्नामेंट का खिताब डी गुकेश ने जीता है। महातीर मोहम्मद ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? तो ये मलेशिया के प्रधानमंत्री थे। अब मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? आगे है अमेरिका भारत व्यवसाय परिषद ने किसे वैश्विक निदेशक मंडल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? विजय आडवाणी को। कौन सा देश राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी जनवरी 2020 में करेगा? तो भारत करेगा। आगे रिंक मचार किस देश के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं? तो दक्षिण सूडान के, ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति बने हैं रिक मचार दक्षिण सूडान के, ठीक है। आगे अपना क्विज रहेगा, जो 20 क्वेश्चन रहेंगे आपको नोट कर लेना है, वीडियो स्किप करना है, नोट कर लेना, ठीक है। नोट हो गए हैं तो मैं करता हूँ। वो इज यू से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो माइक पोम्पियो, ठीक है। आगे है पहला क्वेश्चन है जगनावस्ती दिवेना योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये की है आंध्र प्रदेश सरकार, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने शुरू की है जगनावस्ती दिवेना, ठीक है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान निधि का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान को सालाना 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। किस देश ने G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की उद्घाटन बैठक की मेजबानी की है? तो सऊदी अरब ने। आगे पीपीरामल इंटरप्राइजेज ने पॉलीक्रोल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गांगुली को, ठीक है। आगे फोरे गणेश सीबीगे ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो टोंगो का, ठीक है, फोरे गणेश सीबीगे है वो टोंगो के राष्ट्रपति है, ठीक है। आगे किसे ACC का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं? तो श्रीधर बालकृष्णन जी को, ठीक है। फ्रेंच जूनियर स्क्वेश चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यश फाड़ते ने जीता है फ्रेंच जूनियर स्क्वेश चैंपियनशिप खिताब। आगे लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो एडलिन कैस्टिलेनो ने लीवा मिस दीवा यूनिवर्स वो जीता है। भारत ने किस देश के साथ भारतीय क्षेत्र के संपदा कामगारों के लिए कृषि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को उन्नयन के वास्ते एक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये श्रीलंका के साथ में किया है। किस कंपनी ने जो फेनोनो सेंटिस नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया फेसबुक ने। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पहली वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 25 फरवरी को। डेथ एंड इनसाइड स्टोरी पुस्तक लेखक कौन है? तो जी है जग्गी वासुदेव। डेथ एंड इनसाइड जो पुस्तक है उसके लेखक है जग्गी वासुदेव। किस कंपनी ने व्हाट्सएप पर अपने ग्राहकों के लिए एक चैटबॉट लाइडिया लॉन्च किया है? तो ये किया है बिरला इस्टेट्स ने, ठीक है। कौन सा राज्य एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये मध्य प्रदेश। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये बना है गाजियाबाद, ठीक है। आगे होस्नी मुबारक जिनका हाल ही में डेथ हो गया वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये मिस्र के थे। 26 मार्च 2020 को कितनी सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होगा? तो ये 55 सीटों के लिए, ठीक है। ICC ने किस देश के क्रिकेट यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूसी को एंटी करप्शन कोड के तहत 7 सालों के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है? तो ये ओमान के थे, ठीक है। एफिनेस कैरिकुलम किस वर्ष दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो 2018 तक। किस राज्य के खोला या खोलची मिर्च को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है? तो ये है गोवा, ऑप्शन नंबर इसका हमारा C सही आंसर है। तो थैंक यू दोस्तों,
बाय बाय, टेक केयर। अपना जो फेब का महीना है उसके अंदर 1200 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मार्च से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, 1200, 1300, 1500, लगभग 1200 से ऊपर क्वेश्चन होंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।